रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर मिलती है, मांग कर नहीं। और इस आजादी की लड़ाई में खून बहेगा, हमारा खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी। हर कहानी जो शुरू होती है उसका अंत निश्चित है। जैसे आदमी के पैदा होने पर उसका अंत निश्चित है, बस उन कुछ कहानियों को छोड़कर जो अपना अंत खुद ही निगल जाती है। It is a sad day for Japan also, because they've also lost a general in the crash. We'll be back with more information on the crash as soon as we get it. ये कहानी है सुभाष चंद्र बोस की, जिसका अंत 100 कहानियों का आरंभ था। टेलीग्राम। विभावती, गांधी जी कह रहे नेताजी का श्राद्ध मत करना। सुभाष, सुभाष जिंदा है? अगर नेताजी जिंदा है तो फिर बताते क्यों नहीं? कौन जिंदा आदमी अपना मातम मनते हुए देखेगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बचपन के दोस्त हेमंत सरकार, उसका एक ही सपना है कि अंग्रेजों और उनकी सरकार को लात मारकर हिंदुस्तान से खदेड़ना, जिससे आप, मैं, हम सब एक आजाद हिंदुस्तान में सांस ले सके। आपको क्या लगता है कि सुभाष पहली बार गायब हुए? कर्ण ने परशुराम को अपना गुरु तो मान लिया, लेकिन परशुराम जानते नहीं थे कर्ण ब्राह्मण नहीं क्षत्रिय है। हम तुम्हें शाप देते हैं कुरुदेव, युद्ध में तुम अपनी विद्या का प्रयोग नहीं कर पाओगे। भांजे भांजे भांजे, कहो मामा श्री कहो। तो सुनो, यही समय है पांडवों को खत्म करने का। होगा मामा श्री, जो आप कहें वही होगा। स्कूल से भागकर तुम यात्रा देखने गए थे, सुबह से ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूँ, बताओ क्यों? बाबा, मुझे लगता है मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? कल से चुपचाप तुम स्कूल जाओगे और घर वापस आओगे, और मेरी मर्जी के बिना तुम घर से बाहर भी नहीं निकलोगे, समझे?
अब जाओ। सुभाष खैनी है शोबे है। इसके उम्र के बच्चे मिठाई के पीछे भागते हैं, मेले के पीछे भागते हैं, लेकिन ये क्या सनक है? लेकिन सुभाष हम घर से क्यों भागे? क्योंकि अब हम आजाद हैं। लेकिन इस आजादी का करेंगे क्या? जो मन में वो करेंगे। कुछ गलत हो गया तो? गलती करने की आजादी सिर्फ हम इंसानों को मिलती है। ये देखिए इन भेड़ बकरियों को, कभी गलती करती है? नहीं ना। अब तू चुन ले कि तुझे इंसान बनना है या बकरी। चल। उसे अभी नहीं संभालोगे तो बाद में तुम्हें और भी रोना पड़ेगा। तो रो तो अब भी रहे ना। 7 महीने हो गए थे जब सुभाष घर वापस आया अपनी मर्जी से। जब एक 14 साल का लड़का 7 महीने तक अपने माँ बाप से छिप सकता है तो क्या 48 साल का आदमी अंग्रेजी सरकार से बचने के लिए छिप नहीं सकता? वो जिंदा है और वो जरूर वापस आएगा। कोई लाश नहीं, कोई फोटो नहीं। हम क्यों माने कि नेताजी उस प्लेन क्रैश में थे? नेताजी ने ब्रिटिश सरकार को चकमा दिया है। वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं जब वो राज पे दावा बोलेंगे और उसकी हस्ती को जड़ से उखाड़ देंगे। इंकलाब 25th August 1945। The world thinks that Bose is dead because Bose wants the world to think that he's dead. He is alive. And we should be worried. He's dead, Stanley. Everyone says he's dead. You can get over this now. There's a rumor that says he faked his own death. What if it's true? We have guests here and they're waiting for you. What if it's an error in judgment on my part again? You can let go of all this. Bose is dead. Give your obsession a decent burial. I'll be there in 5 minutes. आप हमको जेल में डाल सकते हैं, हमारी आवाज नहीं रोक सकते। सुभाष बाबू जिंदा हैं और वो जरूर वापस आएंगे। No food or water for him today. सुभाष बाबू जिंदाबाद! सुभाष बाबू जिंदाबाद! ये लोग चाहे जितना भी अफवाह फैला लें, पूरा देश जानता है असली कहानी क्या है। नेताजी जिंदा हैं। जो नेताजी ने भारत की आजादी के लिए किया वो भारत का एक एक बच्चा जानता है। नेताजी का निधन भारतवासियों के लिए एक बड़ा सदमा है। नेताजी अमर हैं। अमर होने के लिए मरना जरूरी होता है। नेताजी जिंदा है। तुमको कैसे पता? जैसे तुमको पता। बेटा भगवान सब चीज जोड़े में बनाता है, आदमी औरत, बीड़ी, माचिस। वैसे तुम्हारे जोड़ का एक और पागल भी है, उसका भी यही कहना है कि नेताजी जिंदा है। अरे हम बता रहे हैं अंग्रेजों की चाल है ये, नेताजी जिंदा हैं और जरूर आएंगे। नेताजी नेताजी नेताजी, पता नहीं कब आएंगे इनके नेताजी। मनहूस आदमी हर बार एक ही बात करता है। इधर बर्मा में मैं उनके साथ लड़ा था, मैं जानता हूं कि नेताजी जिंदा है। हाँ तो पर है कहां नेताजी? बर्मा के बाद मिले आप उनसे? नहीं। तो फिर आपको कैसे पता वो जिंदा है? क्योंकि मेरे पास खबर है कि कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ। अरे आप कह रहे हैं क्रैश नहीं हुआ, फिर वो दूसरा कह रहा है कि क्रैश हुआ। कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ क्योंकि उस दिन कोई प्लेन उड़ा ही नहीं था। अच्छा प्लेन उड़ा ही नहीं था। हाँ। ये चंदू खाना का कब कहाँ से लाए भाई? राम सिंह हाँ दरवाजा खोलिए जरा। कैदियों के साथ हम खुद कई दिनों तक कैद खाने में बोस बाबू के जिंदा या मुर्दा होने की जासूसी करते रहे, लेकिन पता कुछ भी नहीं चला, या शायद कोई कुछ बताना चाहता ही नहीं था। सरकार हम बता रहे हैं आपको, ये सब आपके मन का फितूर है। Were you really convincing with the prisoners? If they were hiding something, would they have shared it with you? सरकार सब दिल खोलकर बात की हमसे, बाल बच्चा, बीवी, बीवी ने कहाँ कसम का नाम गुदवाया है, सब बताया हमको, लेकिन बोस बाबू के बारे में किसी को कोई खबर है ही नहीं।
आपको काहे लगता है बोस बाबू जिंदा है? Because I know it. 27 साल बीत गए थे और आज भी स्टैनली सुभाष चंद्र बोस से ग्रसित थे। हमको अभी भी 1918 याद है, जब पहली बार बोस बाबू से हमारा सामना हुआ था प्रेसिडेंसी कॉलेज में। What is that? Are you cheating? No, sir. इस पे तो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। Oh yes. We try and we try and we try to rid you of your superstitions, and we fail every single time. Sir, please don't do that. You are a beastly people with a beastly religion. And I shall have none of this pagan nonsense in my classroom. If any of you is carrying a totem which you mistakenly believe will call upon some deity in the sky to swoop down and assist you in passing my examination, I assure you it will not. Take said totem and place it in this box. Now! Hurry up! Please understand, there is no real power attached to any of these objects except that which you yourself give it. Sir. Yes. I find your idea quite liberating. Yes. So if I don't attach any power to your position as professor or teacher, then I'm free to do something which I wanted to do since the day I joined your class? What is that? हत्यारों को ना कोई पर्याय, चर्चाओं से ना कभी बदलाव आए, अत्याचारों से दुश्मन हमें धमकाए, जय हिंद के नारे जब जोरों से लगाए। बोस डटे बन के स्वराज लड़े, उनके खिलाफ ताली गोरों के आंखों में बोस की सड़कों पर मांस मिले हमें, इंसान भारत संघर्ष पर लिखेगी बोस, मैं ऐसे में इंसान ना पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे में बोस। আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রু চোখে চোখ রাখ রাখ, র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন্ডিরো বকবগারো সাহস দাঁড়ালো, উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি, স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি। বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই, বিপ্লব আনে রক্ত, সতচ্ছ সময়ে বিপ্রশ্রয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত। डटे बन के स्वराज लड़े, झुमके खिलाफ ताली गोरों के आंखों में आंस। This is a very dangerous precedent. We need to have Subhash arrested. If we don't take strong action now, we could have a student rebellion on our hands. एक मिनट, क्या गलत किया है? अंग्रेजी बापू पे हाथ उठाए हैं आप? हाँ तो बहुत पाप लगेगा क्या? अभी खड़ा करेंगे आपको प्रोफेसर साहब के सामने, एक मिनट में ये जो सत्य में जाते हैं ना सब हो जाएगा। पाठन के लिए तो हम सब बराबर हैं, गुलाम वो नहीं पहचान पाएगा। चलिए। प्रोफेसर ऑटन की इज्जत के साथ एक और चीज बुरी तरह से चकनाचूर हुई, ये भ्रम के हिंदुस्तानी एक गाल पर थप्पड़ खाकर दूसरा आगे करेंगे। इस बार गाल अंग्रेजी था और थप्पड़ हिंदुस्तानी। ठीक है, रखिए अंदर। But Stanley, you have to charge him. Yes, but for that, Professor Otten needs to press charges. Professor? I wouldn't like to file a complaint. I don't want people to talk about it. You understand? मैं कह रहा हूँ उतारो इसे। काकू आपको वहां होना चाहिए था, हम सबकी बेइज्जती का अच्छा बदला लिया सुभाष ने। इसकी हरकत की वजह से इसे रस्टिकेट किया गया है। बाबा, इतिहास गवाह है कि आजादी कभी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। सुभाष को बोस और बोस को नेताजी बनने में अभी सालों बाकी थे, पर उस दिन स्टैनली ने कुछ तो झलक देखी थी जिससे वो घबरा गया था।
Who are you? What are you doing in my house? I don't understand. These are my personal letters. You can't just come to my house. When did he send those letters? Are there any more letters from him? ये सिंगापुर बर्मा से लिखे हुए लेटर्स हैं और भी हैं बस यही है How did you enter my house? You are not allowed. Are there any more letters from him? If Bose communicated with anyone, it would be his wife. आपको पता है बोस कहाँ है? Did you speak with Bose after the 21st of August? What? How dare you asking me that? Bose passed away on 19th August in a plane crash. Are you saying that he is alive? बस यही चुकिया है या और भी है? Aren't you ashamed to betray your own country? Tell me, what do you know? Is he alive? Is he coming back? Tell me, what do you know? Please. What's wrong, Emily? Mother, stay there. Either you tell me what you know or you leave now. Get out of here! According to the Japanese government, there is no mention of Subhash Chandra Bose in the list of those who died in the plane crash. Hello? Hello. This is Emily. Emily. Listen, Subhash is safe. This is not the first time he's just disappeared like this. In German papers, there is no name on the passengers list. So he is definitely alive. You need to know that. He spoke of certain people in India who wanted to hurt him. Yes. I know. I will call you back, Emily. Take care. I think we have a lead. It's been 3 months, Emily. You really trust him to come back? He's done that before. So why not do it again? They hated you for marrying him. You know you're not safe here, Emily. You're delusional. He's not coming back. Sorry for the interruption. Stand by for an important broadcast. INA leader Subhash Chandra Bose wants to read out a message for you. Sorry for the interruption. Stand by for an important broadcast. INA leader Subhash Chandra Bose wants to read out a message for you. Dear Emily, so many have loved me before you, but I've never looked at them. বুঝলে তোমরা তারপরে আমরা ঘুরতে থাকবো এমন বুঝলে দেখাও পরে এখন আরে বৌদি ফিশ ফোর্ক হে फ्रूट फोक इस्तेमाल करिए ना हम फिश फोक और फ्रूट फोक में अंतर जानते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आ रहे हैं बहुत ही गिने चुने लोगों को बुलाया है चाय नाश्ते पर हमारी नंदिनी को भी बुलाया है कंग्रेचुलेशंस थैंक यू कुछ हिंदुस्तानी तो चाहिए सजाने के लिए भाई हम तो वो हिंदुस्तानी हैं जो नंदिनी आओ हमने नंदिनी को ब्रिटेन के सबसे अच्छे फिनिशिंग स्कूल में भेजा है कैसी अंग्रेज होकर निकली है देखिए ना सुभाष तुम नंदिनी को छत पर लेकर जाओ ना पतंग दिखाने बौदी इधर से ही है ना रास्ता अरे नंदिनी यहीं से देख लेगी ना पतंग वो अकेली लड़की के साथ कहाँ ऊपर भेज रही हो क्या बौदी
मुझे सुभाष पर पूरा भरोसा है। जाओ बेटा जाओ। 1921 कलकत्ता। बोस बाबू ने इंडियन सिविल सर्विस पास कर लिया था। पतंगबाजी का मौसम था, बच्चों में पतंग लूटने की होड़ थी और माओ में अपनी लड़कियों के लिए लड़के लूटने की। मैं भी आती हूँ। और सुभाष बाबू सबसे ऊंची उड़ती पतंग थे। वो काली, वो नीली, वो हरी। चलो सुभाष थोड़ी मदद कर दो। ICS मुझसे मिलने से पहले रिसर्च करके आई हो? मैंने नहीं, माँ ने की। तुम्हारी माँ की रिसर्च अधूरी है। क्यों? मैंने नौकरी छोड़ दी। सरत। हाँ माँ। जब भी कोई अपनी बेटी लेकर आता है ना, मेरी तो सांस फूलने लगती है। तुम एक काम करो, अपने अखबार में खबर छपवा ही दो। अच्छा नहीं लगता इस तरह बार बार कहना। क्या? सुभाष इंडियन सिविल सर्विस में चौथी पोजीशन पर आया, उसके बाद उस नौकरी को ठोकर मारकर वो भारत वापस आ गया। कुछ भी छपवा दो। छोटे बच्चों को बागड़ बिल्लों से डराते हैं और बेनीघाट की लड़कियों को सुभाष से। जाओ नीचे जाओ। नीचे जाओगे तो वापस ऊपर भेज देंगे। अच्छा बताओ तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? क्योंकि मुझे आजादी है नौकरी छोड़ने की। तुमने कभी सोचा अंग्रेजों में ऐसा क्या खास है कि वो पूरी दुनिया में आजाद है और हम अपने देश में गुलाम हैं? कुछ लोग गुलाम हैं, हम नहीं। हमें तो आजादी है खेलने की, कूदने की, पतंग उड़ाने की। तुम्हें ऐसा लगता है नंदिनी? सिगरेट? नो थैंक यू। आजादी नहीं है पीने की? आजादी सिर्फ आदमियों के लिए है, औरतों का क्या? आजादी सबका हक है, पर क्या औरतें आजाद होना चाहती? सुभाष ने इस्तीफा दे दिया? हाँ कालिंदी, मैं कह तो रही हूँ, लेकिन तुम मानने को तैयार ही नहीं हो। पर बोधी, आपको बताना तो चाहिए था। और तुमने कहाँ बताया कि तुम रिश्ता लेके आ रही हो? नंदिनी, माँ, थैंक यू। क्या किया मेरी बेटी के साथ? वो सिगरेट पीना चाहती थी। तो तुमने पिला दी? माँ, चुप रहो तुम। आप पीती? सुभाष, चुप रहो तुम। प्रिंस ऑफ वेल्स कलकत्ता आ रहे हैं। I'll see you there. I will see you there, सुभाष। I will see you too. चलो। I will see you there, सुभाष। सुभाष। और कितनी बार बेइज्जती होगी हमारी? अच्छा वो पतंग, पता नहीं बाबा, ये रिश्ता लेके आने वाली औरतें भी बहुत डीट है, मानती नहीं। इतनी बड़ी बात का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हें पता है तुमने क्या किया? कलकत्ता की सारी कुंवारी लड़कियों का सपना तोड़ दिया मीम बनने का। इतनी बड़ी नौकरी थी? चाकरी थी बाबा, चाकर ही रहता मैं। अच्छा तो अब तुम क्या हो? क्रांतिकारी। गुलाम और क्रांतिकारी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, नियत का। गुलाम की नियत होती है चाकरी, जी हुजूरी, और क्रांतिकारी की नियत होती है सिपाही। तुम लोग क्या हो? क्रांतिकारी। Don't worry, I'll keep an eye out for anything suspicious. We don't know what Gandhi's planning. गांधी जी ने कहा है कि हम सारा अंग्रेजी माल का बहिष्कार करेंगे। हाँ गांधी जी कुछ बायकॉट का नारा किए हैं, पर ये सब छोटा मोटा तमाशा तो कोई पहले बार थोड़ी हो रहा है। इस बार हम अंग्रेजी माल का बहिष्कार ही नहीं करेंगे, इस बार हम अंग्रेजों को अपना माल बेचेंगे। इतना बड़ा प्रिंस हिंदुस्तान आ रहा है और बिना कुछ खरीदे चला जाए, ये तो अच्छा नहीं लगेगा। जाओ बाकी सब लड़कों को बताओ।
ओके? गठरी में क्या है? कपड़े। कहाँ जा रहे हैं कपड़ा? प्रिंस ऑफ वेल्स आए हैं, उन्हें खादी बेचना है। प्रिंस ऑफ वेल्स आपका कपड़ा पहनेंगे? अरे इधर लाइए, इधर लाइए, कपड़ा पहनेंगे प्रिंस ऑफ वेल्स? लाइए खोलिए, तुरंत चेक करिए। सालों से हम जबरदस्ती उनका कपड़ा खरीद रहे हैं, एक बार हमारा खादी खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा? तुरंत खोल कर देखिए। ठीक ठीक लगा देंगे, 25 करोड़ की आबादी का मान रखने के लिए खरीद लें। प्रिंस ऑफ वेल्स! अरे प्रिंस! उस बाबू! कुछ नहीं है, खादी है उसमें। You've come to sell Khadi to the Prince of Wales? Yes. It's called trade. Arrest him. लेके चलिए सबको पुलिस स्टेशन। प्रिंस ऑफ वेल्स! चलिए। प्रिंस ऑफ वेल्स! इतने सालों से हमें लूट रहे हो, एक बार हमारा खादी ले लो। नंदिनी, हमें तो रॉयल हाइनेस से मिलने नहीं दिया, पर तुम्हें आजादी है मिलने क्या? यहाँ से? तुम्हें आजादी है? हेलो, Hello, Mrs. Winterbrook. Myra. I hope you have a good time. Thank you. See you later. Oh, thank you so much. I hope you enjoy your stay. Thank you. Excuse me. Hello. Hello. Nice to meet you. Yes. Oh. That is going to be rupees 50, Your Highness. Excuse me? 50 rupees? For what? That is the price of our khadi. For all the cloth that you have been dumping on us from England. Nandini. Welcome to India. Let's go. Welcome to India. Nandini. Excuse me. What is this? This woman misbehaved. अब तो आपकी नंदिनी अंग्रेज बनने से रही काकी मां। बेकार में आपने फिश फोक, फ्रूट फोक, फिनिशिंग स्कूल। जानकी बाबू, ये आपका सुभाष, ये एक बीमारी है। नंदिनी इससे मिलने से पहले ऐसी बदतमीजी करने की सोच भी नहीं सकती थी। सबका दिमाग खराब किया हुआ इसने। मां बेशी बेशी हूं, चुप थको। पूरे कलकत्ता में नंदिनी अकेली लड़की है जिसने प्रिंस ऑफ वेल्स को खादी बेचने की हिम्मत दिखाई है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर। चुप रहो, ये तो बस शुरुआत है सुभाष। शिलाजीत सेनगुप्ता, सत्रजीत घोष, हिमाद्री चक्रवर्ती, आदिराज बंदोपाध्याय, शिव प्रसाद मुखोपाध्याय, Subhash Chandra Bose. Having been found guilty by us of offences under Section 294 and Section 268 of the Indian Penal Code for trying to sell khadi to the Prince of Wales, are hereby sentenced to 6 months imprisonment. 6 months? That's it? हमने कोई मुर्गी चुराई है क्या? Order! Order in the court! Are we being punished for stealing a fowl? Or maybe we should beat up one of our officers so that you can increase our imprisonment. The accused will maintain decorum in this courtroom. The police may proceed. Yes, my lord. Opium, cocaine, no, Gandhi, Gandhi ji. पहले opium और cocaine के smuggling की वजह से कैदी अंदर आता था, अब गांधी की वजह से कैदी अंदर आता है। अंग्रेजों के साथ मिलकर अपने लोगों को जेल में डालते हो, अच्छा लगता है? तुम्हारा मन नहीं करता गांधी जी के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़े? अब बहुत खुराफाती हैं वो बाबू। गांधी जी के बातों को खुराफाती कह रहे हो दरबारी? गांधी जी क्या किए थे? गांधी केवल बायकॉट किए, आप एक कदम आगे बढ़कर खादी बेचने लगे, फिर? तब भी कहाँ खरीदा किसी ने? कंगलों की कौम है तुम्हारी अंग्रेज सरकार, फिर भी उनकी चाकरी कर रहे हो? अरे बोस बाबू, इतना सारा लोग अंदर आता है, शांति से 6 महीना अंदर रहता है, शांति से 6 महीना बाहर रहता है, शादी ब्याह भी करता है, आज़ादी का लड़ाई भी लड़ता है, एक आप ही पर माता आई हुई है, भारत माता।
You'll be released tomorrow, 12 noon. Pack your belongings and be ready. दरबारी, तुम्हारे साहब को कभी खादी चाहिए तो बताना। अभी भी बहुत माल बचा है हमारे पास। अपनी कंगाल सरकार की इज्जत रखने के लिए खरीद लें। वैसे भी इतने साल से हमारा ही खा रहे हैं। Don't think you'll get away with this, Bose. I always get away, Mr. Stanley. Bose got away. The Japanese press has not one mention of the crash. A plane crashes and not one mention of it. Are you quite sure you're not obsessed with him? Why would he stage his own death? Sir, I know him. I've watched him from close quarters. He plays everything like a game of chess. While you're busy saving your queen, he's already attacked your king, and before you know it, checkmate. Do not contribute to the hysteria which is already out there. Checkmate. ইতিহাস অভিশপ্ত গুপ্ত গুপ্ত গল্প সুপ্ত এদেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত সুভাষকে বোঝা শক্ত স্বাধীনতা আগে রক্ত সুভাষকে বোঝা শক্ত I have a reliable source who tells me he saw Subhash Chandra Bose in Saigon 11 days after his supposed demise. What do you have to say about that? I have no comments on that. No more questions, please. Bose zinda the? Ya ho sakta hai, hazaron logo ke vishwas ne unki yaad mein saanse phook kar unhe zinda kar diya tha. Emily, you call. Operator speaking. Yes, sir, I'm connecting you to the line too. Thank you. रेडियो पे अनाउंसमेंट सुनने के बाद से एमिली का सारा ध्यान रेडियो पर ही लगा रहता था. ना जाने कब उस तरफ से बोस की आवाज सुनाई दे जाए. 165 खत, 9 साल और 8 अलविदा के बाद एमिली को बोस के इंतजार की आदत पड़ गई थी. Who switched off the radio? बोस की मौत पर उठ रहे सवालों से जहां एक तरफ एमिली बेचैन थी, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली को भी चैन कहां था. एक तरफ बोस की मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ अंग्रेजी अफसर. लेकिन दोनों में एक बात आम थी, दोनों को यकीन था कि बोस वापस जरूर आएंगे. इंतजार था तो बस उस कड़ी का जो बोस तक पहुंचाने में मदद करे. उनको आपके बारे में मालूम पड़ गया है. आपको यहां से निकलना पड़ेगा. कोई ये यकीन कैसे कर सकता था कि जिस विमान दुर्घटना में बोस की मौत हुई थी उसी विमान में सफर कर रहे आईएनए ऑफिसर रहमान और जापानी ऑफिसर नाकामुरा को कुछ नहीं हुआ. यहां तक कि बोस के करीबी अय्यर भी बोस की मौत की खबर मानने को तैयार नहीं थे. मैं सच कह रहा हूं अय्यर, नेताजी का ऊपरी शरीर बुरी तरीके से जल चुका था. रहमान, मैं क्या, कोई भारतवासी इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि नेताजी अब जिंदा नहीं रहे. Thank you.
Bose's upper body was badly burned. I used my coat to put out the fire. विमान दुर्घटना की कहानी जितनी बार सुनाई गई और जिसने भी सुनाई एक अलग कहानी सुनाई, लेकिन अंत में बोस की मौत पर आकर सब कहानी एक हो जाती थी। Can we fly down Netaji's body to Singapore? The size of the coffin, it won't fit in the aircraft. हमें से किसी ने भी उनकी बॉडी को नहीं देखा और तुम लोगों ने हमारे बगैर ही उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इतनी क्या जल्दी थी? So then we can transport his body by ship. That won't be possible. The body is in such a bad condition. It could start decaying any moment. And the chemicals required to preserve the body is not available in Formosa. ठीक है, एक बार को मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ कि तुम सच कह रहे हो। लेकिन एक फोटो, एक अंतिम फोटो भी नहीं है तुम लोगों के पास उनके परिवार के लिए? Take the photographs. Don't take photograph of the face. बॉडी प्रिजर्व करके नहीं रख सकते थे क्योंकि केमिकल्स नहीं थे। जल्दी जल्दी में अंतिम संस्कार करना पड़ा। चेहरे की एक फोटो तक नहीं ली क्योंकि नेताजी का चेहरा जल के झुलस गया था। Do you seriously expect me to believe that? What is that you're not telling us? What are they not telling us? It's a British contingent on its way to Taiwan to look for Bose. Where are you, Bose? सरकार अभी अभी तो बोस आया है जेल से, कुछ दिन तो बैठ सकते हैं आराम से। हम हमारा मतलब कुछ दिन तो आराम से बैठेगा वो। He's a loose cannon. Even Gandhi can't control him. Put all eyes on him. जी सरकार। आयो सरकार। अंग्रेजी सरकार की पुलिस इंटेलिजेंस ने अपने कई जासूस बोस के पीछे लगा दिए। उन्हें इंतजार था किसी बड़े कांड का। आज तो दोनों हाथ से एक साथ रुको, पैटर्न में सामने दे। इस टाइम सा एक दूसरे को नहीं मारना है, अंग्रेजों को मारना है। ए ऊपर नीचे सर पे ब्लॉक, ठीक है? चलो। So he's teaching them to fight with sticks. And you're sure it's only sticks? There are no guns involved. अरे लठई थे ना, बंदूक तो नहीं थी। नहीं साहब, लेकिन खबर पक्की है, बोस का अब अहिंसा से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अपनी सेना तैयार कर रहे हैं। लठई तो की सेना। एक और बात सरकार, उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए कैंप भी लगाया था। जासूसों का पूरा कुनबा बोस के पीछे लगा था और बोस जैसा कानून परस्त इंसान नहीं था। स्टैनली भी जासूसों की गप और कहानियों से चिड़चिड़ा होता जा रहा था। साहब खबर पक्की है, बोस की शादी कांग्रेस लीडर किरण शंकर रॉय की बहन के साथ होने वाली। और साहब मुझे ये पता चला है कि बोस की शादी के बाद किरण शंकर रॉय उसे इंग्लैंड भेजेंगे वकालत पढ़ाई करने के लिए। अरे जब बोस बाबू सिविल सर्विस से इस्तीफा दे दिए हैं, वो लंदन काहे जाएंगे वकालत पढ़ने? कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, समय खराब कर दिया साहब का। जाइए आप। ठीक है साहब। Put more men on him, Dabarila. I need good men. In fact, I want you to be his shadow. हम सरकार, हम क्या पता कर लेंगे जो ये पहुंचे लोग नहीं कर पाए? You have an edge over them. You know him. लेकिन अगर हम सुभाष बाबू को जानते थे तो वो भी हमको अच्छी तरह से जानते थे।
तो चाय दीजिएगा। हाँ अमी आच्छी बाबा पहुँचा दीजिए। काकी माँ सुभाष वो कौन है? अंग्रेजी सरकार का जासूस है। तो यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ से कौन सा आंदोलन शुरू कर रहे तू? खावी आंच। दरबारी दरबारी आओ आओ ले लो। नहीं ठीक ले लो, बारिश हो रही है, बेकार में क्यों भीग रहे हो? धन्यवाद बोल साहब। चलो ले लो, गरम है। सिगरेट लोगे? ले लो, नहीं बताऊंगा स्टैनली को। ठीक क्या पता लगा मेरे बारे में? यही कि आप बहुत ढीठ है बोस बाबू, बहुत परेशान करेंगे अंग्रेजी सरकार को। यही बताओगे जाके स्टैनली को? खुद ही जान जाएंगे, अब बहुत इंटेलिजेंट है। जाओ घर जाओ, बारिश हो रही है, बीमार हो जाओगे। ये छाता लेके जाओ, कल आओगे ना जासूसी करने वापस, तब ले आना। अच्छा ठीक है, अब हम चलते हैं। और सुनो, जासूसी ना थोड़ा दूर रह के करते हैं। जाओ। बोस बाबू तिलस्वी इंसान थे, आंख बंद और डब्बा गायब। इसी तरह महीनों हम बोस के आगे पीछे गश्त लगाते रहे, लेकिन कुछ पता नहीं चला। जाओ घर जाओ। जो लंका कांड हमारे पीठ पीछे वो रच रहे थे, उससे सब कुछ बदलने वाला था। अच्छी अच्छी। नमस्कार दादा। नमस्कार। ये आपका पार्सल, यहाँ जरा साइन कर दीजिए। है क्या? नहीं जल खा पे ना? ठीक है, धन्यवाद। ए पोस्टमास्टर बाबू। जी बोलिए। अंदर कहे गए थे पार्सल देने? किसके लिए पार्सल? सुभाष बाबू का। सुभाष बाबू का, जरा दिखाइए तो। अच्छा बढ़िया, यहाँ रख लें? मतलब आप जाइए अभी। चलिए चलिए चलिए। अजीब परेशानी है। Don Barilal says a uniform got delivered to Bose's house. Apparently it was a GOC's uniform that was mistakenly delivered to Fort Williams. The officers at Fort William had quite a laugh about it. It was an army uniform. Doesn't that bother you? That Bose likes to pretend to dress up. Who knows? सरकार हमको भी यही लगता है, बोस बाबू बहुत सारा चीज केवल हम लोग को परेशान करने के लिए करते हैं। केवल एक ही वर्दी था, अभी बताइए कोई बहुत बड़ा बात थोड़े है।
बोस बाबू ने खाकी वर्दी क्यों मंगवाई थी ये किसी को पता नहीं था, और इससे पहले ये गुत्थी सुलझ पाती 1928 में कलकत्ता की सड़कों ने वो देखा जिसके बारे में कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। बोस बाबू 2000 लोगों के साथ सड़क पे थे, ब्रिटिश सरकार और कांग्रेस सिर्फ तमाशा देखती रही। Your Excellency, had we known something... Nonsense. How can you have not known 2,000 people would descend upon our city wearing uniforms and carrying weapons? That chap Bose has made a perfect arse out of us. You have got to get a grip on things. Do you know you were a traitor to the Empire? He gave me money. I made him clothes. Sab clothes nahi, uniform banaya aapne. You helped raise a standing army against the British Raj. But I was just trying to make... Some Indian comes and gives you money, you make him uniforms. I was... To fight against your own people. Do you have any idea how much trouble we are in? I will make sure that you never do business again in this city. But please listen, I... Just shut up! लेकिन तुमने किसी से बात भी नहीं की इसके बारे में। क्या बात करनी है उनेदा? कि हिंदुस्तानियों की अपनी फौज होनी चाहिए या नहीं? प्रतीक कुछ बोलो। देश मेरा है, लोग मेरे हैं। मैं क्यों किसी से कुछ पूछूंगा? ये हथियार, ये शोर शराबा हमारे उसूलों के खिलाफ है सुभाष। किसने बनाए ये उसूल और क्या मिला है हमें इन उसूलों से आज तक? आपको पता है हमारी गुलामी की असली वजह क्या है? आप लोग की ये सोच और अहिंसा। करना क्या चाहते हो तुम सुभाष? अंग्रेजी सरकार से बात चल रही है हमारी। इतने सालों से बात ही कर रहे हैं प्रतीक, मिली आजादी तो इससे तो और घबरा जाएंगे ना। अच्छी बात है ना, कभी तो वो लोग भी घबराए, पर अभी तो मुझे तुम लोग ज्यादा घबराए हुए लग रहे हो। बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम। गांधी जी बड़े दुखी होंगे तुमसे। अंग्रेज भी बहुत दुखी है। गांधी जी, बोस बाबू ने जो 2000 लोगों की फौज लेकर फोर्ट विलियम्स पर धावा बोला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? मिस्टर गांधी, डजंट दिस गो अगेंस्ट योर बेसिक टेनेट्स ऑफ अहिंसा? In your country, England, don't they have the Bertram's Mill Circus? That is all it was, a circus. Bah, Ashok to bani. No, no, no. Arey ek tu pe. Na. Bas. Chaliye bas aao. Khana khalo. Wahin khali jiga. खाना खा लेने दो। मुझे लगा तुम्हारे साथ भूल गई मुझे। इस बार कौन सी दफा लगाई है? आप चलिए ना वहीं। सुभाष, कल सुबह मैं तुम्हारी बेल करवा लूंगा। आज शुक्रवार है, आपका 3 दिन तक बेल नहीं हो पाएगा सुभाष बाबू। आपके दिमाग आ गया अंग्रेजी सरकार में? भाई खाना जेल में भिजवा देना, थोड़ा ज्यादा भिजवाना, चुत्ता बहुत पसंद है दरबारी को। नहीं नहीं, हम नहीं खाएंगे। क्या हुआ? पिछले कुछ महीनों में इतना नमक खाया हमारे दरबारी, अब क्या शर्माना? और वैसे भी नमक हरामी से तुम्हें कोई परहेज नहीं है, मतलब तुम्हारे जैसे लोगों को। So now you've got yourself a uniform. Last time when we were selling you khaki, you had a problem. And now that we are buying khaki from you people, you still have a problem. You descended on the streets of Calcutta with 2,000 people. What makes you think you can do that? Because it's my country and I'm free to do whatever I want. I don't need anyone's permission. Do you really think you can get away with this? Mr. Stanley, I always get away. April 1928, Subhash Chandra Bose. Dangerous enemy of the British Raj. He can't be controlled by Congress. They had an army of 2,000 natives today. The numbers are going to surge. What is the news from Taiwan? Bose may still be alive. Are you sure? If he returns to India now, neither the British government or the Indian Congress will be able to stop him. No one has seen this file. Kinji Watambe says that he saw Bose get on the plane with 4 big boxes, 5 feet by 2 feet, all filled with the INA gold.
much gold do you think that would be, Dabarila? सरकार सोना हीरा जवाहरात तो लोग भर भर के दिए हैं इन्हें को औरतों ने किलो के हिसाब से अपना शरीर का गहना दिया है He was carrying so much gold. But wasn't he going to Singapore to surrender? So why was he carrying so much gold? Stan. Is it that Bose chap? Aren't you getting a little obsessed now? Just get done with it, will you? We're getting late for the show. Let's go. Stanley, you're not listening to me. Sorry, dear one. He's the greatest escape artist ever. I wish I could see him in person. Who? लोगों का मानना था कि बोस चार बक्सों में 11 किलो सोना लेकर गए थे लेकिन स्टैनली का मानना था कि चार बक्सों में सिर्फ 11 किलो सोना नहीं हो सकता था About 11 kgs of gold were recovered from the attaché case that Bose carried on the plane. हाँ, हम नहीं समझे सरकार। He was carrying four giant boxes, 5 feet by 2 feet. मतलब? You don't carry 11 kgs of gold in four huge boxes. Bose escaped. The crash was a ruse. रहमान भाई बता क्यों नहीं देते देखो बात यहीं खत्म हो जाएगी Is Bose dead or alive? स्टैनली को पक्का यकीन था कि बोस जिंदा है अब बस बोस को ढूंढना बाकी था उधर ब्रिटिश ऑफिसर एंडरसन और हयात भी बोस को ढूंढ रहे थे और उनके हाथ लगे थे आजाद हिंद फौज के 7 सिपाही हसन प्रीतम गुलजारा चैटर्जी थिवी सहाय और रहमान We're not making any progress, Ian. Sir, they are INA soldiers. They're tough. It's not easy to break them down. We're running out of time. Stop! Chali bahar aap. Rehman bhai, main ek baar phir se pooch raha hoon aapse. Plane crash ke baad kya hua tha? नेताजी अपना कोट उतारने की कोशिश कर रहे थे और मेरे कपड़े में लगा आग But you already told us you had no idea how Bose was removed from the plane. मुझे याद नहीं है मैं बोल Does he always stammer this much? सर थोड़ा सा तो अकलाते हैं पिछले दो दिन से एक ही बात बार बार वही सिगरेट है क्या We're not torturing him, he's torturing us. सुभाष चंद्र बोस जिंदा है नेताजी
जिंदा है। अरे भाईजान, हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो वहां पर था भी नहीं, मैं क्या बताऊंगा। गुलजारा भाई, रहमान भाई ने एक ही कहानी चार तरीके से सुनाई है। हुजूर, आप किसकी बातों में आ गए? ये रहमान मियां तो कहानियां बहुत सुनाते हैं। कहानी इतनी शिद्दत से सुनाते हैं कि समझ नहीं पाओगे वो सच है या झूठ। वेल डन भाई, वेल डन। यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है क्या? वो मजाक नहीं है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। They're laughing at us, Hyatt. Can't you hear them? It's a game to them, you see. Biding their time while Bose is slipping away. Have you any idea what it would mean if Bose did get away? Bose is dead, sir. Ah, yes, of course. The British contingent found some clues, but none of them confirmed that Bose is alive. And I think they're creating this fear in us by making it seem that they have something to hide. What do you make of this? It says Bose is dead. No. Gandhi says Bose is dead. Gandhi, you see, is protecting Bose. But if Bose does return to India, we will execute him as a war criminal. Very true. And he will, if he intends to meet his army. Do you know who else was on that plane? Colonel Shade, another war criminal. Stanley Allen, IG Calcutta Police. David Anderson, pleasure to meet you. Likewise. Hayat Khan, please have a seat. So now you accuse two people of faking their death. Isn't that a little paranoid? No, it's not paranoia. You don't know Bose like I do. Poses the greatest risk to the British Raj. Not Gandhi, not Congress. Right now we don't know where he is. And that should make us very, very afraid. 1930 कलकत्ता। ICS से इस्तीफा देने के बाद, अंग्रेजों को खादी बेचने के बाद, जेल से निकलने के बाद अब बोस कलकत्ता के मेयर चुने गए थे। Now you're the mayor of Calcutta. So no more armies marching through the cities. Meri army ke liye Calcutta bahut chota pad jayega, Mr. Stanley. My army will be marching throughout the country now. And how exactly do you plan to do that? It will be one step at a time. It will be when you least expect it. It might be happening now. So sleep light. I always do. सरकार केवल वर्दी से फौज नहीं तैयार, असला लगता है। और अब तो सुभाष बाबू काम धंधा में लग गए हैं, अब कहाँ मिलेगा मौका मरने मारने का? क्यों सुभाष बाबू, गलत कह रहे हैं? मौका देना तो तुम्हारे हाथ में है दरबारी, और वो देने से तुम लोग थोड़ी बाज आओगे। अंग्रेजों ने फिर से मौका दिया। बंगाल विद्रोह पर उतर आया था और बोस भी कहां मानने वाले थे। कभी इधर कुछ बोल दिया, कभी किसी जुलूस के साथ हो गए। They're trying to infect us with venereal diseases. रस्सी अगर सांप नहीं हो फिर भी गले का फंदा बन सकती है। 1931 में बोस को अंग्रेजी सरकार ने फिर से गिरफ्तार किया। Yeah.
I think that's enough. Is he really going to use it? I don't know. I have a proposal for you. All of this can stop. All you have to do is come with me to Taihoku and show me the crash site. You know I can't touch you, Raymond. You're the only eyewitness. The rest of you, however, are of no use to us. Except for one thing. Dolorilon, everybody out. Dolorilon. Now with each turn, these screws will go deeper into your skull. अंग्रेजों ने सब कुछ आजमा के देख लिया, यहाँ तक के विश्व युद्ध में इस्तेमाल किया गया ब्रेन क्रशर भी, लेकिन ये आजाद हिंद फौज के सिपाही थे, ये कहाँ टूटने वाले थे? So hey, sang like a canary. Japanese officer Isoda met them on 20th of August at Hanoi. He informed them Bose has escaped Manchuria. Brilliant, Stanley. But did he say why Bose was going to Manchuria? He wants to get to Russia. And why Russia? He's building his army, the one he's always been talking about. Well, then I must get a man in Manchuria immediately. Did you know he has a German wife and child? Really? That cat? Emily Schenkel. She's contacted the family a couple times. We'll need to put eyes on her too. Of course. If Bose is alive, he'll attempt to get in touch with her. Kann ich helpful haben? Ja, natürlich. Danke. Danke schön. Mrs. Boss. Mrs. Boss, has Subhash Chandra Boss contacted you? Ich verstehe nicht. Mrs. Boss, we know you speak fluent English. We are aware of your relationship with Subhash Chandra Boss. We want to speak to you. Listen, we can help you out. It's Emily Schenkel. No, Boss. How was your day? Hi, Zelita. She's येना 1934, बोस आजादी के लिए अपनी किताब लिखने बीमारी का बहाना बनाकर ब्रिटिश राज से दूर आ गए। Colonel Schenkel, Boss Ross. Lovely to meet you, Mr. Boss. Pleasure. Good morning. Good morning. Please sit. Dr. Matho must have mentioned, I'm looking for a stenographer, someone who is skilled with shorthand. Shorthand? Yes. I need someone to take dictation for the book I'm planning to write. So proficiency in English is must. Mr. Boss, my German is much better than my English. But my English is better than anyone's around here. Dr. Matho spoke very highly of your English and your shorthand skills. Dr. Matho is very kind. He is. What about you? How is your English? English? Yeah. Can you speak English? Can you write it? Verstehen? I think she doesn't understand. Well, in that case, you're the chosen one.
Thank you for coming. Danke. I don't think if she's getting it. Dieser Mann hat nicht die Absicht, die Sachen. Und wendet sie kostenlos arbeiten? Zeitverlust. She looked miffed. What did you tell her? I told her that this man doesn't intend to pay you and that he will make you work for free. But I have his stipend. I can pay. I know, Mr. Boss. It's just she would feel really bad knowing that she is losing on a paid job. You're very kind. Dr. Mathur told me you were going to be a nun. My father wanted me to be one. I went to nunnery for 4 years. Was married to Christ. And nothing. After that, I realized that's not something I want to be. What about you, Mr. Booth? Not my father, but my mother wanted me to be married. Not to Christ, of course, but to a girl. I'm married to a cause now. Liberate India. Azadi, right? Azadi. That's how you say it. Azadi. It's kind of being married to Christ only. I can't marry anyone else now. I'm glad she told me before I ask. 1934, ऑस्ट्रिया में चांसलर एंगलबर्ट डॉल्फस की हत्या के बाद माहौल में काफी तनाव था. नए चांसलर और उसकी आर्मी का डर सड़कों पर महसूस किया जा सकता था. Dictator has been shot dead. That means now Anton Hinterling will take over and become next Chancellor of Austria. The Nazis will be rising now. Subhash, how can you admire Nazis? There is so much violence, can't you see that? Freedom comes with a cost, Emily. And sometimes that cost is violence. And the army, it turned against their own government. It means they all are traitors. That is exactly what India needs. An army. An uprising, an insurgency. But we don't have money for that. Come. 12th November, 1945. That's it. Looking for him in Manchuria may help, may not. Spying on Emily Schenkel may help, maybe not. But if we want to find Bose, we need to find the gold. Follow the missing gold. He needs it to build his army. बोस बाबू के बाद अगर आईएनए के सोने की किसी को भनक थी तो वो थे आईएनए के सिपाही और उनके पुराने वफादार राम मूर्ति. और ये बात छुपने वाली कहां थी? Good to see you, Colonel. Would you like a seat? I'm not here to have a cup of tea. And what you have is for safekeeping and not for spending. हम उतना सोना ही खर्च करें जिससे कि टूटी हुई चीज जुड़ सके. और अगर आप इस तरह उसे खर्च करेंगे तो उसकी कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी. आप थोड़ा संभल कर रहिए राम मूर्ति. और अगर ब्रिटिश सरकार को आपके बारे में पता चला तो हम सब वॉर क्रिमिनल्स हैं. मेरी मानिए तो आप भी संभल के चलिए. I mean, Netaji gets back. Oh, you think he'll be back?
आईने का सिपाही था लेकिन हिंदुस्तान वापस क्यों आ रहा था यह समझ में नहीं आया। ये बस्ता इन्हीं का दिखाई जा रहा। रखिए भी बोलता है। सोना का गंध होता है सरकार, आप लाख चाहे उसे छुपा नहीं सकते, और वो खुशबू हमें इनसे आ रहा है। What's this? जो आदमी हमें मरा पाया मिला वो किसी को दिखाने के लिए हिंदुस्तान ला रहा था। अब भूखे नंगे जापानियों के पास खाने पहनने को तो कुछ है नहीं, और वहां दो हिंदुस्तानी ऐस कर रहे हैं। बोस बाबू जापान में भी थे, ये भी जापान में है। What is this news saying? सरकार वो तो जापानी में लिखा है। अनतने यो को तो वा वकड़ी मसन। अरे इंग्लिश, इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में। तुमको जापानी आता है? नहीं साहब। तो खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, किसी को लेकर आओ जो जानता हो ये भाषा। यहाँ पर किसी को जापानी नहीं आता साहब। अरे तो बतियाते कैसे हो इनसे? बात क्या करना साहब, कोई लड़की थोड़ी बिहानी है इनके घर जो बात करने की जरूरत पड़ेगी। हंसी आ रहा तुमको जाहिल? चार बंगाली खड़ा कर दिए, जापानी नहीं आता है, मार के साथ सर पीट रहे हैं। Hang on, we have someone who knows Japanese. He spent a lot of time in Japan. You were quite close to Bose. नेताजी मर चुके हैं। अरे अब कहाँ पुरानी बातों में बैठ गए फिर से। बना छोड़िए, हम किसी और वजह से आए हैं। लेकर आइए उन्हें। अब दोनों जाइए। Translate this. क्यों दाय राम मूर्ति तो जय मूर्ति वा निहोन दे तकाई कुरु मदे पुरा पुरा शी देता। मूर्ति क्यों दायगा सिदान निदाय ये एकें तो रेसुतोरान हितो इचु मुतेरो। What does it say? What does it say? Ramurti and Jayamurti live a very luxurious life in Japan. They are often seen traveling in expensive cars. Or they own a bungalow, a restaurant, and two sedan cars. Murti brothers kaun the? Netaji ke kareebi the? INA ke officers the. Japan mein rehte. What's the connection between the INA girl and the Murti brothers? तुम कह रहे हो कि जापानियों के भिखारी देश में दो सिपाहियों के पास इतना पैसा था? हमारा तो सारा का सारा पैसा तुम लोगों ने लूट लिया। बाहर वालों को तो छोड़ दो। We already know that this is about the INA gold. The Japanese army handed it to the Murti brothers. And you trust everything that Japanese tell you? क्या हुआ रमान, अभी हाँ हाँ अकलाना बंद हो गया? किधर है INA का सोना? करिंदो किन्नु न सुंदा नेताजी का कायत्रा करी रवाजू दाई न मन दाई नहीं ऊंची ची रूने बकायरो दोषी दे नेताजी का मादा इकी ते इरु तो अमनु सुई राकू जी को देशिंदा यो करी रानी दमा से रुकमु बुकुनी वा दमा से ना है किमिनो ते नो यक्की तो वसान देस स्वरगुजी को ननका नकता यो। What are you talking about? Why did he say that to you? जापानी युद्धबंदी ने रहमान से कहा कि नेताजी जिंदा हैं, और ये भी कहा कि रहमान के हाथ का घाव विमान दुर्घटना की वजह से नहीं बल्कि हाथ पे एसिड गिरने से था। रहमान, is Bose still alive? स्टैनली भांप गया था कि कुछ तो बहुत जरूरी था जो उसके सामने घट रहा था, और वो उससे बेखबर था। बोस की कहानी में अंत तो जैसे था ही नहीं, और अगर अफवाहों की माने तो इससे पहले कि नेताजी की मौत की गुत्थी सुलझ पाती किसी ने उनके जैसे किसी को या खुद उनको मंचूरिया में देखा था। What? I want to send a message.
No, no. I will type. What? I will type. No. Move. Telegram. Keep the gold safe. We'll need it to raise an army. Hello? Hello, this is Ramamurthy. I've got a telegram from Bose. He's alive. In Manchuria. मंचूरिया में मौजूद ब्रिटिश अफसर जॉन फिक्स ने भी बोस के जिंदा होने की खबर सुन ली। गद्दार से मुखबिर तक का सफर राममूर्ति ने एक फोन कॉल में ही तय कर लिया था। Bose got in touch for his gold. He did. He wants to get his army. What's the story with this man? When does he give up? That's the thing with Bose. He never gives up. We need to raise an army now. अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांट दिया है. हिंदुओं के लिए कांग्रेस, मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग. आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला है. इसमें साफ साफ लिखा है अगर आप इंडिया लौटेंगे आपको कैद कर लिया जाएगा. आपके पीछे पूरा ब्रिटिश राज पड़ा है. तो इसमें कौन सी नई बात है? वो लोग तो बचपन से मेरे पीछे पड़े. तुम देखना डॉक्टर माथुर, मैं मर भी जाऊंगा ना तो ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे. तो फिर इंडिया क्यों लौट रहे हैं? अपनी सरकार बनाने जा रहा हूं. आपको क्या लगता है कि वो लोग आपको ऐसा करने देंगे? मिस्टर बोस, प्लीज. डॉक्टर माथुर, हिंदुस्तान में अंग्रेजों से ज्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं. उनकी मदद से सरकार बनाऊंगा मैं. मिस्टर बोस, हाल ही में आपकी सर्जरी हुई है. प्लीज. अगर रुकना ही होता तो सर्जरी से ज्यादा बड़ी वजह है मेरे पास. Can you give this letter to Miss Shankle? See you soon. Azadi. That's how you say it. Even the iceberg sometimes melt. And so it is with me now. I have already sold myself to my first love. That is my country. मुझे पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा. शायद मेरी जिंदगी कैद में बीते या हो सकता है मुझे फांसी हो जाए. यह सिर्फ एक गोली की बात है और एक झटके में सब खत्म. शायद मैं कभी तुम्हें दोबारा मिल ना पाऊं. शायद कभी दोबारा लिख भी ना पाऊं. लेकिन तुम हमेशा मेरे ख्यालों में हो. 1937, एमिली को छोड़कर और लोगों के लाख मना करने के बावजूद बोस वापस कलकत्ता पहुंचे. वियना में एमिली का इंतजार शुरू ही हुआ था
लेकिन हिंदुस्तान में 4 साल बाद लोगों का इंतजार खत्म हुआ। हेमन, सुभाष तुम वापस क्यों आए? मुझे तो वापस आना ही था, ये देश है मेरा। You know I always come back. What are you? Those. You were told not to come back. And you were told to go back. You did not listen to me. Why should I listen to you? दरबारी, काफी जल्दी उम्र दराज हो गए हो। मेरे पीछे भागना छोड़ो, अपनी सेहत का ध्यान रखो। आजादी मिलने वाली है बहुत जल्दी। सुभाष चंद्र बोस, आपको अरेस्ट किया जाता है। ऑन व्हाट ग्राउंड? लेट्स गो बॉस, कम ऑन, कम ऑन। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद। I don't need to give you a reason. We told you not to come back. मेरे जाने के बाद तो तुम्हारा धरपकड़ का खेल ही खत्म हो गया होगा दरबारी। किसी और को भी अरेस्ट किया कि मेरा ही इंतजार कर रहे थे? हम वापस क्यों आए बोस बाबू? आपको मना किए थे ना। एक हिंदुस्तानी को उसके देश वापस आने से कोई नहीं मना कर सकता। ये देश मेरा है और यहाँ अंग्रेजों का कानून नहीं चलेगा। शांत हो जाइए बोस बाबू। बहुत साल शांत रह लिए दरबारी, अब हम शांत नहीं रहेंगे। Release Bose now. That's an order. Sir, that would be a mistake. Bose needs to be locked up. He's a disease. He needs to be contained. Do you see the crowd outside? Do you want to make him a martyr? Release him now. You there. Now. तड़ी पार बोस को हिंदुस्तान की जनता ने सीधे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स तक पहुंचा दिया था। बोस ने 1938 में कांग्रेस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जीत लिया था। अंग्रेजों के सिवा कुछ और भी थे जो इस बात से परेशान थे। खाकी और खादी की लड़ाई कांग्रेस के अंदर शुरू हो गई थी। सभी कार्यकर्ताओं से बात हो गई है, सब कुछ समझा दिया है, सब तैयार है। बापू, सुभाष आए। सुभाष, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आओ बैठो। प्रणाम। कृपया आप लोग 10 मिनट के लिए बाहर इंतजार कीजिए। कैसे हुआ? तुम्हारा रास्ता गलत है सुभाष। बापू, मैं आपके अहिंसा के रास्ते का मान करता हूँ, पर मैं नहीं मानता कि अहिंसा से हमें आजादी मिलेगी। सुभाष, बापू आधी से ज्यादा दुनिया अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रही है, और ऐसे में अगर हम अंग्रेजों का साथ देंगे तो हिंदुस्तान कभी आजाद नहीं होगा। और जान देनी ही है तो अंग्रेजों के लिए क्यों, अपने देश के लिए क्यों नहीं? तुम्हारी सोच कांग्रेस विचारधारा के विरुद्ध है सुभाष। सोच भले ही विरुद्ध है बापू, पर हमारी मंजिल एक ही है, हिंदुस्तान की आजादी। यदि तुम्हारी यही जिद है तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता सुभाष। सुभाष के पोचा, सुभाष के पोचा, सुभाष के पोचा, सब तो अपना आशीर्वाद तो दे सकते हैं ना बापू। बापू भी कहते हो और कहना भी नहीं मानते। जैसी तुम्हारी मर्जी। प्रणाम बापू। नेहरू, बापू मिल गया है। नेहरू, तुम्हें बापू से बात करनी होगी। इस लड़ाई के लिए चरखे की नहीं, फौज की जरूरत है।
हम फौज कहां से लाएंगे? क्यों, अपने चारों तरफ देखो, फौज ही फौज है। जब 2.5 लाख हिंदुस्तानी अंग्रेजों की तरफ से लड़ सकते हैं तो हमारी तरफ से क्यों नहीं? His actions faster than thought. तुम बात करो बापू से। They look for him where he was not. Boss. Incapable of being caught. Boss. His lines were sharp and theirs were blunt. What is it about this Bose chap that drives people to frenzy? I have been hearing reports that he's on his way to Manchuria. So if there is anything that we need to know, we should be informed. Do you think Bose is alive? Hypothetically, if he is alive and he does return, who would be Prime Minister, Mr. Nero? Tick, tick, tick. Tick, bulletin. Bish, bish, bish. Bish, kore. एंड्रयू सर से मिलना था। क्या काम था? उन्होंने फाइल मंगाई थी। कौन सी फाइल? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बापू आपको याद कर रहे थे, अंग्रेज भी आपको याद कर रहे थे। मेरी कांग्रेस प्रेसिडेंसी से बापू और अंग्रेज दोनों परेशान हैं। मैं वो इंसान हूं जिसने दोनों को एक कर दिया। अब बस यही हिंदुस्तान के साथ कर दिखाऊं, यही आशा करता हूं सुभाष। लेकिन दादा कांग्रेस, मैं बात कर लूंगा। गांधी जी पेपर्स लाए। अरे सुभाष दा, आपका भी अपना ही अंदाज। आइए बैठिए। जो थाने को 9 नंबर पार्क मानकर कभी भी आ जाते हैं सैर सपाटे के लिए। कुछ चाय वगैरह लेंगे? नहीं। तो फिर किस तरह आना होगा? बिनॉय के साथियों की जमानत कराने आए। क्यों? इतने सालों से कांग्रेस जेल भरो आंदोलन चला रही थी, अब हमने सोचा कि जेल खाली करो आंदोलन शुरू किया जाए। पर सुभाष दा उनको कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो दंगा फसाद किए हैं, पिस्तौल भी मिला है उनके पास। अरे वाह, ब्रिटिश पुलिस फाइनली कानून सीख रही है। इस बार तुम लोगों ने वजह भी ढूंढ ली। अरे आप लोग भी तो सीख रहे हैं सुभाष दा, एक तरफ तो अहिंसा अहिंसा का नाम जपते हैं और फिर जाके अंग्रेजों पे खुले हम गोली चलाते हैं। वो ठीक है, बिनॉय ने सामने से गोली चलाई है, अंग्रेजों की तरह पीठ में छुरा नहीं पाऊंगा। एक बार बताओ दरबारी, ये अहिंसा का कानून सिर्फ हिंदुस्तानियों पर लागू होता है क्या? कभी किसी अंग्रेज को सुना है अहिंसा की बात करते हुए? मैंने कभी नहीं सुना। ए मातो, जमानत का कागजात लाइए जरा। आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं बोस बाबू, या आप लोगों के खुद के उसूलों के खिलाफ जाता है। अब तुमसे भी उसूल सीखने होंगे दरबारी। जो बिनॉय बंदोपाध्याय ने किया वो गलत है, पर उस पर अब कांग्रेस की मोहर लगाकर वायलेंस और ब्रुटलिटी को बढ़ावा दे रहे हैं।
आप लोगों को क्या लगता है, सफेद कपड़े पहनकर उस पर खून का एक छींटा भी ना लगे और आप लोग इंकलाब ले आएंगे? योरसाय तुम्हें एक साल भी नहीं हुआ, तुम्हें ग्राउंड रियलिटीज में पता है? सुभाष, तुमने कभी भी किसी से इस बारे में सलाह मशवरा किया? हम सभी आजादी चाहते हैं। अच्छा, आप आजादी चाहते हैं? जरूर। काफी छुपाकर रखी आपने ये बात सबसे। बिनोय बंदोपाध्याय इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट अ जाइगेंटिक फेलियर वी आर। व्हाट ही डिड इज एन एक्ट ऑफ डेस्परेशन। और कैसे लाएंगे आप लोग आजादी? कोई ब्लूप्रिंट है? कुछ तो सोचा होगा आपने। ये कोई एक दिन में होने वाली बात नहीं है सुभाष। कितना वक्त लगेगा? 6 महीना, 1 साल, 5 साल, 10 साल? कब मिलेगी आजादी? दुनिया में सिर्फ बातचीत से आज तक किसी को आजादी नहीं मिली है। आजादी के लिए क्रांति चाहिए होती है। आप सब लोग इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, अंग्रेजों के साथ सरकार बना रहे हैं, पैसों का लेन देन हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ सरकार बनाने में इंटरेस्ट है, आजादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और उसी सरकार का नतीजा है कि आज बाहर ट्रेड यूनियंस है, हमारी वजह से मजदूर को अपना हक मिला है। और वही मजदूर जब जेलों में सड़ रहे थे तब, आज ये सरकार आपको उन मजदूरों पर गोले चलाने को बोलेगी तो आप क्या करोगे? सरकार का साथ दोगे कि मजदूरों का? पता है कांग्रेस की हालत कैसी हो गई है? धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। सुभाष बाबू, एक गुस्सा अंग्रेजों के लिए बचा के रखिए, वहां काम आएगा। आ गई आपकी सरकार। तुम लोग मुझे छोड़ते ही क्यों? Tell me, Mr. Stanley, the war is coming. What if all Indian soldiers refuse to fight for His Majesty? Will he dare take on Hitler without us? Or will he beg us to support him? Did Bose actually say that? That is a threat. Well, that is what I heard. And did he say if someone slaps you once, slap him twice? No, that's just a rumor. Long time ago, he slapped a professor. And then this whole legend grew out of that unfortunate incident. Isn't that the complete opposite of what Gandhi said? Turn the other cheek. I believe Bose commands quite a following. But I like Gandhi. I wish more Indians were like Gandhi. I feel terribly unsafe. Now, there's nothing to worry about. Bose is well taken care of for the time being. Cheers. I hope so. अरे हम क्या कह रहे हैं, समझ नहीं आता आपको? ऐसा नहीं मिलता है जमानत। कागज लगता है, वकील लगता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। अभी नहीं दे सकते हम जमानत बोस बाबू को। अब जाइए आप। क्या कर रहे हैं बोस बाबू? हैजे की तरह फैल रहा है क्रांति का बीमारी। और अब बेफिक्र रहिए, अंग्रेजी सरकार बहुत जुझारू है, इसका तोड़ भी जल्दी निकाल लेगी। हम क्रांतिकारियों को जेल में डाल भी दोगे दरबारी, और जिस क्रांति के लिए हम लड़ रहे हैं उसका क्या करोगे? तुम एक काम करो, स्टैनली को बोल के मेरे लिए एक चालू खाता खुलवा दो जमानत का। अब तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। कन्फेशन है आपका, कबूलनामा, इस पर जितना जल्दी दस्तखत कीजिएगा उतना जल्दी आपका जमानत का कागज तैयार हो जाएगा। क्यों दस्तखत करूं? क्यों, घर नहीं जाना आपको? नहीं, मुझे अंग्रेजों को वापस उनके घर भेजना है, उसके लिए कोई कागज है? अरे भूस बाबू, कहाँ आप ये गंजेड़ी भंगेड़ी चोरों चक्कों के बीच बैठे हैं? दस्तखत कीजिए और चलता बनिए। क्या कर रहे हैं आप? मैंने यूरोप में कुछ सीखा है दरबारी, देखोगे? दिखाई की नाम तुम्हार? अनिरुद्ध दादा। ए, चुप कीजिए। क्रांतिकारी गंजेड़ी है। अरे कागज किधर गया? ये कैसे किया आपने? इसे आंखों का धोखा कहते हैं। तुम लोगों ने वही देखा जो मैं दिखाना चाहता था, और जो मैं छुपाना चाहता था वो तुम लोग देख ही नहीं पाए। अरे आप कागज लौटाइए बोस बाबू। वापस लाने का तरीका तो नहीं सिखाया दरबारी? अरे बोस बाबू, सरकारी कागज है, आप कहाँ मजाक करते रहते हैं अभी बोस बाबू।
कहाँ गया? अरे क्या कर रहे हैं आप? किधर रखे हैं आप? क्या आप कितना बहुत जल्दी घबरा जाते हो तुम? चांद दे रखा है हमारा, आप ये दस्तखत कीजिए और माफ करिए हमें। जेल में रहना मंजूर है पर अंग्रेजों के किसी भी कागज पर मैं दस्तखत नहीं करूंगा। एक एक करके बात पक्की है। नाइस। नेताजी जिंदा है और ये बात ब्रिटिश सरकार को भी पता है। उन्हें किसी तरह आगाह करना होगा। ब्रिटिश सरकार अगर उन तक पहुंच गई तो बहुत बुरा होगा। क्यों? पकड़े जाने दीजिए। लोगों ने भगोड़ों को भगवान बना के रखा है। बोस कोई भी हो, भगोड़ा नहीं है। 3 साल पहले आप ही ने कहा था कि अगर सुभाष वापस भारत आता तो यू विल बी द फर्स्ट वन टू टेक दिस टू हिम। बोस के साथ जितनी जाति ब्रिटिश सरकार ने की है कांग्रेस ने कम नहीं किया। दैट्स फॉर मी। आप जा सकते हैं। उर्पिता, वेरी नाइस, थैंक यू। कम इज एनीवन फॉलोइंग? Well, I think I saw Bose in Anchuria. Don't worry, Mr. Matty. You are quite safe. The joke's on you, Figs. Bose is alive. And he's dangerous. He's a fugitive. All alone. On the run. Bose is never alone. Are you going to kill him? British government doesn't share its plans with everyone. As if you could kill him. We all know what happened the last few times you tried. Where is the telegram? Information's right. We will bring Bose back. घर का भेदी लंका ढाए। राम मूर्ति अगर घर का भेदी था तो उस भेदी के घर भी एक भेदिया था, मोहन सिंह, बोस का खास विश्वासी। नेताजी का पता भाइयों ने अंग्रेजों को दे दिया है। ब्रिटिश आर्मी अपनी एक टुकड़ी नेताजी के पीछे भेज चुकी है। डू नॉट वरी, वी कॉल ऑन द इकिरियो, बोस विल बी सेफ। इकिरियो माने जापानी भूत। जापानियों में जिंदा आदमी का भूत भी होता है। नाकामुरा क्या कहना चाहता था उस वक्त मोहन सिंह समझ नहीं पाया, लेकिन उस दिन जो हुआ वो अंग्रेजी सेना की टुकड़ी भी समझ नहीं पाई।
Ira has protected Bose. Bose is safe. You are not Bose. Come on, Bose. जो पकड़ा गया वो बोस नहीं था, लेकिन जो नहीं पकड़ा गया वो बोस था या कोई बहरूपिया, ये कहना मुश्किल था। तुम बोस नहीं हो, फिर हमें देख के भागे क्यों? सर, दुनिया में किसी भी इंसान के पीछे लोग बंदूक लेके दौड़ेंगे वो तो भागेगा ही ना। इसका मतलब यह नहीं कि वो बोस है। बोस कहाँ है? आपको खबर नहीं मिली? वो तो मर गए बेचारे। He's just fooling us around. Does your sources have anything on Bose? Yes, sir. We just found that Bose has rented a room in a nearby hotel. Khabar pakki hai. Excuse me. Bose wahan the ya nahi the, kehna mushkil tha. Isi dauran British police ke haath aa gaye the teen Hindustani. Yes. How may I help you? एक बस ड्राइवर, एक टिकट मास्टर और एक होटल मैनेजर। इस आदमी को देखा है? मजाक कर रहे हैं? आपके पीछे तो खड़ा है। बेवकूफ समझते होने क्या तुम? मतलब आदमी और आदमी का फोटो दोनों साथ में लेके घूमेंगे लोग? सारे फोटो वाला आदमी कोई और है। इसका नाम बोलिए। ध्यान से देखो और बताओ कि उस दिन होटल में ये आदमी आया था कि ये आदमी? नहीं सर, वो कोई और था। दिखता ऐसे ही था लेकिन ये नहीं था सर। Are you sure? Yes sir. तो वो आदमी कौन था और यहाँ कब आया? 3 दिन पहले वो यहाँ आया था। I need a room. Okay. Your name? Joseph. Your signature? Original. 102. हाँ, थैंक यू। आगे से ऊपर। Go up and check. Sir. करता क्या था वो? उसके कमरे से सिर्फ कागज के जलने की बू आती थी। वो पूरा दिन अपने कमरे में रहता था। खाने के लिए, कमरा साफ करने के लिए भी दरवाजा नहीं खोलता था। सिर्फ लिखता था और जलाता था। मैंने भी एक बार सोचा कि लड़ाई तो खत्म हो गई है, ये कौन सा नया चक्रव्यूह रच रहा है। उसे सिर्फ यहां से निकल जाने की जल्दी थी। उसने आकर इतना पूछा कि कोई गाड़ी या बस कुछ मिलेगी? कहीं पास जाना होता तो मैं खुद उसे अपनी गाड़ी से छोड़ देता, लेकिन फिर उसने मुझसे कहा जहन्नम के एक स्टॉप पहले चलोगे। बड़ा अतरंगी आदमी था। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? 3 साल से। Sir, these were found in boss's room. Sir. Pull up Anderson and ask about Watanabe. I need details. Yes, sir. Move. Hindustani ho? Ji haan, sir. Yahan kya kar rahe ho Manchuria mein? Mazdoor aadmi ho, sir. Jahan paisa milega, wahin to kaam karenge. Waise bhi ab Hindustan apna kahan raha?
वहां तो अंग्रेजों ने अपना घर बसा लिया है। इसे जानते हो? नहीं, इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा है। सर, शक्ल देख के लग रहा है झूठ बोल रहा है। Where did this come from? मेरी बीवी का है। कहां से आया ये? हाँ, वो यहाँ आया था, बहुत जल्दी में था। उसे एक ही दिन में इंचियों पहुंचना था। उसने इंचियों जाने वाली अगली बस की सारी टिकटें मुझसे खरीद ली। इंचियों जाना? ये बस कहीं नहीं जाएगी। मुझे पहचानते हो? भाई साहब, क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं? थका हुआ हूँ, सोने दीजिए मुझे। कब निकला वो? दो दिन पहले। सर, मैं निकलूं? उसको एक ही दिन में इच्छा पहुंचना था, बहुत जल्दी में था। डैडी ड्राइवर इन। हिंदुस्तानी हो ना? जी। अच्छा काम करने जा रहे हो। इतनी जल्दी क्या इंचाओ पहुंचने के साहब? कि पूरा बस आपने भाड़े पे ले लिया? कुछ पुराने दोस्त आ रहे हैं मिलने, टाइम पर नहीं पहुंचा तो बुरा मान जाएंगे। साहब, कुछ खाने पीने या किसी और चीज़ का इंतजाम करना हो तो हम कर सकते हैं, हर चीज़ मिलती है उधर। फौज चाहिए, मिलेगी क्या? टैंक्स, ग्रेनेड्स, राइफल्स के साथ। अजीब था, इस लड़ाई में इतना कुछ देखा है सर कि मुसीबत को हड्डियों में भांप लेता हूं, और इसीलिए मैंने उसका पीछा भी नहीं किया। बहुत खतरनाक आदमी था क्या सर? इंचियों से पहुंचने से पहले गायब हो गए, ठीक है, तो आसपास तो कुछ है नहीं, तो इंचियों ही जा रहे होंगे। वहां काहे जाएंगे? किसी से मिलना होगा, कोई पुराना दोस्त होगा, कौन हो सकता? We have made that mistake before. सरकार, वो पक्का बोस बाबू हैं। ये आंख में धूल झोंक के गायब हो जाने का पहंतरा वो पहले भी बहुत बार इस्तेमाल किए हैं। ये खासियत है उनका। We need to think like Bose. We need to find out where he's going and get there first. That's the only way. Indeed. An old friend. All right, well, let's see. Raymond's already in custody. Ramamurthy's already stabbed him in the back, so he's out. Who do you want to make contact with? Especially now that he seems to have something on his mind. सरकार, जले हुए पेपर पर बतांबे का नाम था, और बोस के जापानी सिपाहियों में वो उनके काफी खास थे। Right. We'll get fakes to track him down. Find out if he's in Incheon, Nakamura too. Anderson ने फिक्स और ब्रिटिश पुलिस की एक टुकड़ी जापान में बैठे बोस के करीबी किंजी वटांबी और नाकामुरा के पीछे लगा दी थी। हेलो। जो पहली चीज पता चली वो ये थी कि दोनों को एक ही समय पर अलग अलग फोन आया था। वटांबे और नाकामुरा को जो फोन आया उसमें आवाज मर्द का था जो जापानी में बात कर रहा था, पर उसका मातृभाषा जापानी नहीं था। सरकार, हम ये कह रहे हैं वो जापानी में बोला कि अंडरग्राउंड सेलिब्रेशन के लिए मिलना है। अंडरग्राउंड? What the devil does that mean? Underground? We're talking about bunkers? We have no idea how many bunkers the bloody Japs built out there. We don't need to know. We just need to follow them. Now where are they going? हाँ सरकार, हम यही कह रहे हैं कि चौंकाने वाली बात ये है कि ये लोग भी इंचों ही जा रहे थे। We got him.
got Bose. After all these years, we finally got Bose. Well, that would mean he's beginning to slip up. Didn't even try to cover his tracks this time. यही तो हमको अजीब बात लग रहा है सरकार. आपको नहीं लगता कि वो जानबूझकर हमको इंचों भेज रहा है, जैसे कि वो चाहता हो कि हम इंचों जाएं? Giving him too much credit, Dabarilal. He's alone. He's tired. He's making mistakes. नहीं नहीं सरकार, हमारी माँ कहती थी घोड़ा चाहे थका हो घायल हो घोड़ा ही रहता है, वो गधा नहीं बन जाता. और हम आपको बता रहे हैं, बोस बाबू कभी अकेले नहीं होते. Is your Dabarilal in love with Bose or what? You tell him to shut up now. We'll send figs to Incheon. And just to be on the safe side, keep an eye on anyone Bose might get in touch with. We've got it covered, sir. Anyone Bose may try and contact is under surveillance. Excellent. That will be all. Get me figs. Emily, I don't know whether you believe in this or not, but people say Bose is alive. They are not liking it, aren't they? Maybe that's why I'm still being watched. Watched? By whom? And since when is this going on? Dr. Mathur, if you're careful enough, you would see that probably you're being watched too. Why? Is Bose alive? You see? You can't spy on dead people. How have you been dealing with this all alone? He trained me well. Write to me in German. Our British friends read your letters before I read them. It's been more than 3 years since I saw you. Do you not miss me? I have sent you a picture of myself. It's a Bengali dress called kurta. काकू, क्या लिखा है आपकी दोस्त ने? लिखा है कि बाहें थोड़ा छोटा होना चाहिए था. कौन चाहता है कि आपकी बाहें छोटी हों? बोलने की बात है भाई. वो चाहती है कि बाहें इतनी लंबी हों. तो कुर्ते की बात कर रही थी भाभी. अच्छा भाभी, कुछ चूड़ियां चाहिए. 1 किलो चूड़ियां बांध दो भाई सुभाष के लिए. मजाक मत कर विभावती, उसकी नजर उतार. किसके लिए चूड़ियां भेज रहा है सुभाष? अरे वही जो इन्हें चिट्ठियां लिखती हैं. चिट्ठी लिखने के लिए तो कलम की जरूरत चाहिए सुभाष, चूड़ियां क्यों भेज रहे हो? वो वियना में चूड़ियां नहीं मिलती भाभी, तो मुझसे मांग लियो. वियना में तो हमारा सुभाष भी नहीं मिलता, उसने वो तो नहीं मांगा. अरे ये वही है ना जिसने तेरी सर्जरी के वक्त तेरी बहुत देखभाल की थी. सुभाष दा, सुभाष दा आ जाइए. क्यों बोलो, ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स आपके बिना हो रही है, अब चले मेरे साथ. कांग्रेस पार्टी के अपने उसूल हैं, अपने नियम कायदे हैं. पार्टी के हर कार्यकर्ता को उन नियमों का पालन करना होगा. अगर कोई कार्यकर्ता इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पार्टी उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी. कांग्रेस का प्रेसिडेंट हूं मैं नेहरू, और पार्टी के कुछ नियम कानून हैं. मंजूरी ना सही तो इत्तलाई कर देते कि मीटिंग है. हिटलर के साथ किसी भी तरह का समझौता गलत है. कांग्रेस तुम्हारे इस रवैये से काफी परेशान है. मैं कहां समझौते की बात कर रहा हूं नेहरू. हमें अंग्रेजों के खिलाफ एक मजबूत हथियार चाहिए, और हिटलर हमारा वो हथियार है. हिटलर? तुम जानते हो ना उसके हिसाब से हिंदुस्तानी भी जूस और अफ्रीकन्स की तरह नीचे जाती हैं. ये बड़ा अच्छा हथियार चुना तुमने. हथियार उतना ही अच्छा या बुरा होता है जितना चलाने वाले की नीयत. हिटलर इज अ मर्डरर बोस. और अंग्रेज, वो क्या है? उन्होंने तो आज तक किसी को मारा ही नहीं है ना. इतने सालों से हमारे घर में घुस के हमें मार रहे हैं. क्या फर्क है अंग्रेज और हिटलर में? बापू कभी नहीं मानेंगे, कांग्रेस नहीं मानेगी. आई कांट एवर एग्री टू दिस. ये फैसला आपका अकेले का होगा. हिंदुस्तानी वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे,
ये फैसला बाबू ने अकेले लिया। हमसे पूछा, हिंदुस्तानियों से पूछा, बापू का विश्वास, उन सिपाहियों से पूछा कभी? बापू का विश्वास है कि हमारी मदद के बदले ब्रिटिश सरकार हमारी बात सुनेगी। अंग्रेजों की तरफ से हथियार उठाना, अपनी जान गंवाना, ये तो अहिंसा का मार्ग है ना नेहरू। नेहरू तुम एक काम क्यों नहीं करते, बापू से कहो कि अंग्रेजों को समझाएं कि वर्ल्ड वॉर टू अहिंसा के मार्ग पर चल के जीत लें। और अंग्रेज ही क्यों, उन्हें कहो कि हिटलर को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाए। ये सारी अहिंसा हम हिंदुस्तानियों के लिए क्यों है नेहरू? कुछ लड़ाइयां ना सिर्फ अहिंसा से नहीं जीती जाती। सुभाष, गांधी जी और नेहरू ने नेताजी का साथ नहीं दिया, पर बोस भी जिद्दी थे। 1949 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी खुद की पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। भाइयों और बहनों, हमने जो आजादी की लड़ाई छेड़ रखी है उसे तब तक जारी रखना है जब तक मुकम्मल आजादी हासिल ना हो। जितना जल्दी हम सब आपसी मतभेद भुलाकर और एकजुट होकर इस लड़ाई में शामिल होंगे उतनी जल्दी हमें आजादी मिलेगी। आप सबका आत्म बलिदान का वक्त आ गया है, न मालूम कब बिगुल बज उठे। इस वक्त जमाना हमारे अनुकूल है, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का हमें लाभ उठाना चाहिए। बरसों से हो रहे शोषण के कारण हिंदुस्तान गरीबी की चक्की में पिस रहा है। दो वक्त की रोटी मुहाल है और इन सब कुरोगों की एकमात्र रामबाण औषधि है आजादी, जो राष्ट्रीय एकता पर निर्भर करती है। इस वक्त कमजोर होना सबसे बड़ा पाप है, गुलामी सब कष्टों की जड़ है। और वक्त आ गया है कि हम सब गुलामी की इन जंजीरों को निकालकर फेंक दें। आप सबको एकजुट एक प्राण होकर प्रतिबद्ध होना होगा। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता है और ना ही कोई ताकत हिंदुस्तान को गुलाम रख ही सकती है। हां, स्वतंत्रता के लिए मूल्य चुकाना होगा और आप सबको इसके लिए तैयार रहना होगा। हम गुलाम हिंदुस्तान में पैदा जरूर हुए थे, पर आजाद हिंदुस्तान में जिएंगे और आजाद हिंदुस्तान में मरेंगे। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। पुलिस आई थी? आई थी, चली गई। हाँ, इंचोन और बोस बाबू रशिया। Dead.
This is ridiculous. Bose played us. How could we miss this? Of course he went to Russia. Obviously Russia. Why would he go to Incheon? सरकार हमसे दोबारा वही गलती हो गई. सब कुछ हमारी आंखों के सामने ही हुआ. हम कह रहे थे आपको घोड़ा चाहे घायल हो या थका हुआ हो वो घोड़ा ही होता है. वो गधा नहीं बन जाता. गधा तो बोस बाबू हमको बना गए. और पहली बार नहीं, यही पैतरा आज से 4 साल पहले हम सब पर आजमाकर गधा बनाया था. बोस से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें घर में नजरबंद किया था और चौकीदारी पर बिठाया था हमको. अरे भाभी हमें दे दीजिए ना, हम ले जाएंगे. नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ले जा रही हूं. अरे काहे दिक्कत ले रही हैं, रहने दो. अरे कोई परेशानी है ही नहीं. लाइए लाइए, बहुत ही अच्छे. आजी मैंने मन बना लिया है मां, मैं संन्यास ले रहा हूं. संन्यास से पहले गृहस्थी बसानी होती है सुभाष, बाल बच्चे होते हैं. कहां गृहस्थी बसाऊं, यहां बच्चे पैदा करके गुलामों की फौज खड़ा करूं अंग्रेजों के लिए. सुभाष बाबू केवल आप ही नहीं है जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, इतना सारा लोग है. गांधी जी हैं, जवाहरलाल जी हैं, राजेंद्र बाबू हैं, सब शादी ब्याह के हैं. ऐसा थोड़े है कि ब्रह्मचारी लोग ही आजादी के लिए लड़ेगा. आपके साथ समस्या है कि आपको बहुत हड़बड़ी है. अरे मिल जाएगा आजादी, आपको इतना हड़बड़ी है कि आजादी आ जाए चाहिए. क्यों, क्या बचपना है बोस बाबू? मैं आपसे एक ही वक्त खाना खाऊंगा, इसे छोड़ने में थोड़ा वक्त लगेगा पर अब जब देश विदेश घूमे वहां कोई मिला नहीं आपको? छेना पायस नहीं खाएगा क्या? हम खा रहे हैं फिर. आजकल साधना में ही लगे रहते हैं, किसी से बातें ही नहीं करते. No, that doesn't make sense. Why would Bose retire now? Maybe you finally managed to break him down. Dabarilal, I want you on the job 24 hours. सरकार हम उस घर में जाओ में घूम की तरह लग गए हैं. वहाँ कुछ भी होगा सबसे पहला भनक हमको लगेगा. Very good. एक केला ले लें. Go ahead. धन्यवाद. अरे पूजा की धोती है, हाथ साफ है ना? अरे पूरा पवित्र है, देख लीजिए. एक बात पूछनी थी तुमसे. हाँ हाँ पूछिए. तुमने शादी क्यों नहीं की अब तक? अरे क्या बताएं, सब सुभाष दा का गलती है. इनसे फुर्सत मिले तब तो करें ना शादी. कभी यहाँ कभी वहां परेशान कर दिए हैं अभी. अरे हम बता रहे हैं जिस दिन ये सुधर जाएंगे विद्या कसम उसका अगला दिन हम ब्याह कर लें. हम तो मरे जा रहे हैं शादी के लिए. पता नहीं क्या हो गया सुभाष को, संसार से उसका मन ही उब गया है. एक बात बताइए, सुभाष बाबू कुछ योजना बोझना किए हैं, कुछ बताएं आपको? कौन पूछेगा उससे, मौन व्रत ले लिया है अब तो, बात ही नहीं करता किसी से. सरकार व्हाट? बोस बाबू अब मौन व्रत रख लिए हैं. Really? Stanley, can we go one evening without talking about Bose? He's in house arrest for God's sake. So finally muzzled the rabid dog. Make sure he never leaves that house.
जी सरकार। बउआ कान ऐसा साफ करो कि बोस बाबू का एक एक धड़कन हमको सुनाई दे, समझ रहे हो? आराम से भाई। बाबू जरा सर तो घुमाइए इस तरफ, नहीं तो जो कान में तेल डाला था ना वो जम जाएगा। This is my destiny to be free, be free. This is my destiny to be free, be free. This is my destiny to be free, be free. This is my destiny. बोस बाबू को फरार करने में पूरे परिवार का हाथ था। इधर हम कान साफ करते रह गए और उधर बोस बाबू की जगह उनके भतीजे अरविंदो ने ले ली। सुभाष बाबू अमरूद बहुत अच्छा पका है, खाइएगा। अच्छा आपके लिए बाहर छोड़ दिए हैं, ले लीजिएगा, हम चिट्ठी पोस्ट करके आते हैं। कैसा सन्नाटा छा रहा है, बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा है। बोस बाबू मौन व्रत ले लिए हैं, बोल बोल कर पूरा देश में आग लगा दिए थे। आजकल तो न किसी से बोलता है न मिलता है। कहीं समाधि वमाधि तो नहीं ले ली? दरवाजा तोड़ दें? नहीं, मगर कभी कभी कमरे से सिगरेट की महक और लाइटर की आवाज तो आती है, उसी से समझ जाती हूँ कि सब ठीक ठाक ही है। दस दिन तक ये खेला चलता रहा। सुभाष बाबू किसी से मिलते नहीं थे, लेकिन उनके कमरे से सिगरेट की सुगंध, लाइटर का संगीत और चिट्ठियों की श्रृंखला से हम निश्चिंत थे कि हाथी पकड़ में है। लेकिन बोस पेशावर पहुंच चुके थे। बंदूक लीजिए, मुझे आपके जर्मन दोस्तों ने भेजा है। सुभाष रहमत खान। Sir, Royal Bengal Tigers has reached checkpoint B. Reaching checkpoint C in next 2 days. Activate Todd Group.
शुक्राना। यहाँ हर दूसरा आदमी अंग्रेजों का जासूस है। हिंदुस्तान में मुझे भगत सिंह तलवार बुलाते हैं, लेकिन यहाँ मुझे रहमत खान बुलाएगा। रहमत, मुझे रशिया पहुँचना है जल्द से जल्द। रशिया में कौन है आपका? कोई नहीं। तो रशिया हमारी अंग्रेजों से लड़ने में मदद करेगा, उन्होंने भी अपनी आज़ादी क्रांति सही पाई है। लेकिन गांधी जी तो कह रहे हैं कि सब्र करो। और कितना सब्र करेंगे रहमत? अगर अगले 100 साल 1000 साल तक भी सब्र और अहिंसा से अंग्रेज खुश ना हुए तो क्या हम 1000 साल तक सत्याग्रह करते रहेंगे? बोझ बाबू, यहाँ से चलते हैं। आप आगे बढ़िए, बिल्कुल पीछे मत मुड़िएगा। आगे मिलता हूँ। हेलो ऑफिसर। मुस्कान, he's made all of us look like fools, Stanley. This is despicable. Find him. 10 दिन हो गए थे जब पता चला था कि सुभाष बाबू हाउस अरेस्ट से बचकर रफू चक्कर हो गए थे। हम ही चौकीदारी पर थे सरकार, कहा कहें अपना मुंह पर थप्पड़ मारने को मन कर रहा है। भाग गए। अरे भाई अब देखना। बोस बाबू कहाँ थे ये पता करना शायद अंग्रेजों के बस की बात नहीं थी, लेकिन अंग्रेजों को इस बात का पक्का यकीन था कि बोस बहुत दूर तो नहीं थे। हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए उन्हें सरहद तो पार करना ही पड़ता। बस ये पड़ा पार हो जाए, आप अपनी मंजिल की ओर नजदीक आ जाएंगे। एक बार हिंदुस्तान की सरहद के पार चले गए, आधी मुश्किलात हल हो जाएंगी। बॉर्डर पर कुछ अंग्रेज अफसर मिलेंगे, उनके सवालों को हमें सोच समझ के जवाब देना होगा। आप समझ रहे हैं बोझ बाबू? बोझ बाबू आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? Please. Passports, please. कौन है ये? ये मेरा भाई है। भाई की जबान पे ताला लगा है क्या? खुद बोलने दो इसे। क्या नाम है भाई तुम्हारा? बोल नहीं सकता, एक हादसे में इसकी आवाज चली गई। हम इसे आदा शरीफ के मजार में लेके जा रहे हैं। बड़ा बुरा हुआ इनके साथ। चलो कोई बात नहीं, आदा शरीफ सब ठीक कर देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक मिनट, ऐसे ही जाने दोगे क्या? क्या पता झूठ बोल रहा हो। मुंह खोलो, मुझे जुबान दिखाओ। ओहो, चलो चलो चलो। जब जबान ही अकड़ी हुई है तो क्या बोलेगा बेचारा? 21st January 1941. Subhash Chandra Bose has fled the country to Afghanistan. We don't know what he looks like, so we have a difficult task ahead of us.
संस्कार एक सुभाष बाबू फितूरी, दूसरा आप फितूरी। आप काहे धैर्य खो रहे हैं? सुभाष बाबू ना वहां की जबान जानते हैं ना भाषा, वो कितना आगे जाएंगे बताइए। बोस बाबू, रशियन एम्बेसडर से बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन चीजें थोड़ी मुश्किल लग रही हैं। आसान होता तो आपकी मदद थोड़ी चाहिए होती, आप कोशिश करते। पुलिस, दरवाजा खोलो। जी आ रहा हूं, आ रहा हूं। जी आया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब खैरियत? सबर, ये कौन है? जी मेरा भाई है, पुफी की बेटी की शादी में आया है। क्या नाम है तुम्हारा? जी बोल नहीं सकता, गूंगा है। Is everything all right? इधर सब क्लियर है जनाब, आगे वाला मोटल देखते हैं। देखो तुम्हारा रिश्तेदार है तो हमको भी तो ख्याल रखना होगा। अब हमारे आदमी हो तुम, जब तक यहां हो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आते रहेंगे हम। ये जगह ठीक है नहीं, इतनी कीमती घड़ी पहन के मत घूमिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। दुनिया की सारी पुलिस एक जैसी है, आज चाहे कुछ भी हो जाए पर एम्बेसडर से मिलकर आना, बहुत दिन हो गए। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बोस बाबा, आज हम जरूर मिलेंगे उनसे। और इस बार भी तुम्हें ये रशियन एम्बेसी में घुसने नहीं दिया तो बाहर ही पकड़ लूंगा उसे। वक्त बहुत कम है रहमत, सुनो उसे अच्छे से समझाना कि मेरा स्टालिन से मिलना बहुत जरूरी है, रशिया की हेल्प के बिना हम नहीं कर पाएंगे ये। जानता हूं सुभाष बाबू, आप कई बार कह चुके हैं, इस वक्त चले। रहमत, बात हुई? वो नहीं मारा, पता नहीं अंग्रेजों ने क्या पट्टी पढ़ाई है उसे। वो रशियन एम्बेसडर आपको अंग्रेजों का जासूस मानता है। अंग्रेजों का जासूस? कहां से मिलती है इन्हें अपनी इंफॉर्मेशन? जासूस लगता हूं मैं? सुभाष बाबू मुझे लगता है कि आपको यहां से निकलना चाहिए, यहां कुछ नहीं हो रहा। अगर आप एक बार अंग्रेजों के हाथों में पड़ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है, जर्मनी। इटालियंस ने आपके लिए पासपोर्ट बनवाया है, उम्मीद है कि हिटलर आपसे मिलने के लिए तैयार हो जाए। सुभाष बाबू, क्रांति आपसे जिंदा है, चाहे आप वो रशिया से लाएं या जर्मनी से।
जहां एक तरफ बोस बाबू इटालियन पासपोर्ट लेकर जर्मनी जाने की तैयारी में लगे थे, वहीं दूसरी तरफ स्टैनली का पागलपन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंग्रेजों के नाक के नीचे से गायब हुए थे बोस बाबू, दुख तो होना वाजिब था। I'm sorry it took me a while to come back. I thought you're never gonna come back. I'm sorry I could not write you enough. But I've read all your letters several times. Look at you. You didn't change. I lost a little bit of it, I think. Or maybe put on some. Some hair for sure. Got something for you. What is that? Open it. You didn't forget? I never forget. Subhash, I really don't think this is a great move. You know that Hitler is against interracial marriages. Angrez वैसे ही आपके खिलाफ हैं. और ये शादी करके आप हिटलर को भी नाराज कर देंगे. Just give it a thought. अंग्रेजों की गुलामी कम है क्या डॉक्टर माथुर? क्या हिटलर के भी गुलाम बने? कल शादी है. और आपको जरूर आना है। रसन शांदे, हिटलर का लागू किया गया वो कानून जिससे किसी भी जर्मन का किसी भी गैर जर्मन के साथ कोई भी संबंध गैर कानूनी था। This woman did not respect our rights. She must be punished. German who will marry a German. You okay? Suppose I'm pretty scared now. Don't be. I'm right here. I wish I could take you to India with me.
मेरी सुन, बोस जर्मनी में अकेले थे जो डंके की चोट पर अपने मन की कर सकते थे। रसन शांदे के कानून के खिलाफ एमिली और बोस ने शादी तो कर ली, अब उसकी भरपाई हर रोज हो रही थी। बोस को अगर बर्लिन में खतरा था तो बर्लिन में बैठे बोस से ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान में अभी भी खतरा था। What is Bose up to? In Berlin? No. In India. Is he back in India? सरकार, हम आपको बताने ही वाले थे। What has he done now? Come, and you can hear for yourself. मैं अपने देशवासियों को कह रहा हूं कि अंग्रेजों की आर्मी में भर्ती होने की सोचें भी ना। ये काम वो क्रांतिकारियों के लिए छोड़ दें। वो क्रांतिकारी जो याद रखें कि वर्दी उन्होंने अंग्रेजी सरकार की पहनी है लेकिन आत्मा हिंदुस्तानी की है, और जब आजादी का दिन आए तो क्रांतिकारी को याद रहे कि उसे क्या करना है। Bloody hell. He's preaching treason. Our men are at the front line. What if they're betrayed by the Indians? Azad Hind Radio. Bose Berlin se Hindustaniyon ke saath baat kar rahe the, jo har ghar har Hindustani sun raha tha. Aur wo jo bol rahe the, usse Angrezon mein dehshat phail rahi thi. Baat Delhi tak pahunch gayi. Viceroy ghabraye hue se baithe the. In times of war, we must trust our troops. The British officers depend on the loyalty of these Indian soldiers. Bose is inciting mutiny. What are you doing about him? We are working on it, Your Excellency. Let me enlighten you. You have failed miserably. The British Secret Service is taken over now. Extend to them all the help you can. Of course, Your Excellency. Kidhar hai tumhara chota gunga bhai? फूफी की बेटी के शादी में आया था। पीटर फ्लेमिंग, ब्रिटिश सीक्रेट सर्विस के सबसे काबिल अफसर को बोस के पीछे लगाया गया था। You've been going about this the wrong way. Watch me. Bhagat Singh Tower, we know you helped Bose across to Germany. What are you talking about? Don't lie. Did you know that Hitler is going to attack Russia? Germans won't do that. Seems like your information's outdated. This is going to happen, and it's going to happen soon. And if you want it to stop, help us. Why me? I'm no traitor. The Germans have given you a transmitter through which you provide all information. Help us stop the fascists. This is your chance to do something through which you believe in. They trust you, and they will believe whatever you tell them. फ्लेमिंग जानता था कि रहमत बोस का वफादार था, लेकिन रहमत कम्युनिस्ट क्रांति के लिए सबसे ज्यादा वफादार था। Has Bose met Hitler? बोस और हिटलर मिलने को तैयार थे। Do not speak to him as an equal. He is the leader, the Führer. That means if you take any wrong step, it will lead to something really horrible. Please think again. Are you really sure what you're doing? Emily, I know what he's doing is horrible. But if he agrees to help us against Britishers, I don't mind going on the wrong side. We need him.
Mr. Bosse, the Führer would to see you now. You should be careful of what you're saying to him. Are you ready? I've had more than 4 months to get ready. Mr. Hitler. So, Mr. Bosse, I have been very curious. How did you know it wasn't me? A fake Hitler has an image to maintain, and a real one does not care. Your double seemed really offended that I did not recognize him. Thank you. The British are right to worry about you. How do you intend to bring the empire down? As all empires have been brought down in history, by an army. Where do you intend to get this army? You have it right here. Give me Indian prisoners of war, and I will build an army. How will you take them all the way to India? My plan is to march across Russia and free India from the British. And why would they be willing to do this now, when they have never thought of it until now? Because until now, they have never realized they can. Herr Bosse, do you know what Führer means in Hindi? Yes, I do. Führer ko neta kehte hain. Aur Hitler ne aapko neta ji bulaya. Lekin ye sipahi seedhe seedhe mana kar rahe hain. Wo Germans ko apna dushman mante hain aur aapko German spy. Khud ko angrezo ka wafadar aur main German spy. आइए देखते हैं ये वफादार एक स्पाई की बात मानते हैं कि नहीं। जाइए जाके हिटलर को बता दीजिए, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले हमें तोड़ नहीं सकता। कोई गद्दारी नहीं करेंगे, बहुतों ने कोशिश की है। बोस बाबू, हम सब सिपाही हैं, गद्दार नहीं। मंगल पांडे को क्या कहेंगे आप लोग? वो भी सिपाही थे, गद्दार? ये लड़ाई हमारी नहीं है। हम सब बस एक हथियार है, एक रिवॉल्वर की तरह, जिसका ना कोई मकसद होता है ना मंजिल होती है, बस जिसके हाथ में है वो इस्तेमाल करता है। मतलब आप चाहते हैं हम हिटलर के लिए लड़े? बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने लिए लड़ें, अपनी आजादी के लिए लड़ें। अगर खून बहाना है तो हिंदुस्तान के लिए बहाएं, अगर शहादत हो तो भारत माता के लिए हो, अंग्रेजों के लिए क्यों? मैं आपसे अपने लिए मदद मांगने नहीं आया हूं। हिंदुस्तान जितना मेरा है उतना आप सबका भी है। मैं आपसे हिंदुस्तान की आजादी मांगने आया हूं। दिस वर्क्स फॉर आवर बॉस। यू ऑलरेडी हैव इट। Poor chap just doesn't know it yet. Jai Hind Bose Babu, Rahmat Khan bol raha hu. Jai Hind Rahmat. Yahan par kafi angrezon ke khilaf hawa garam chal rahi hai. Wahan pe kya chal raha hai? Humne yahan par ek army khadi kar li hai Rahmat. Hum jaldi hi Hindustan pahunchenge. Army? Germany mein army kahan se mili Bose Babu? Angrezon ne jinhe lawaris chhod diya, unhi logon se banayi hai. Hindustani POWs hain. बस वो दिस कुड पोज क्वाइट द प्रॉब्लम फॉर अस। उन्नीस में कलकत्ता की सड़कों पर 2000 सिपाही लेकर नेताजी उतरे थे, आज उनके पास पूरी आर्मी थी। टुडे Bose marches his army into India. We can't stop him. And neither can Congress. विदेशी ताकत की मदद से हिंदुस्तान पर हमला करने वाला हर हिंदुस्तानी देशद्रोही होता है। अगर जरूरत पड़े तो I will be the person to take the sword to Bose. जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! तलवार ने बताया कि उत्तरी अफ्रीका से आए हुए सिपाहियों ने भी नेताजी के साथ जुड़ने हमारा मतलब That's the name he goes by nowadays. Netaji.
सावधान। शुभ सुख चैन की बरखा बरसे, भारत भाग है जागा। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बांगा। चंचल सागर विंध्य हिमालय नीला जमुना गंगा। तेरे नित गुण गाए तुझसे जीवन पाए, हर तन पाए आशा। सूरज बनकर जग पर चमके भारत नाम सुभागा। जय हो जय हो जय 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 हो। आज ये लड़ाई जो हिंदुस्तान के बाहर शुरू हुई है, कल हिंदुस्तान में लड़ी जाएगी। आजादी लड़कर हासिल होती है, मांग कर नहीं। इस लड़ाई में खून बहेगा, हम सबका खून बहेगा, और उस खून की कीमत होगी आजादी, हिंदुस्तान की आजादी, हमारे देश की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद, आजाद हिंद जिंदाबाद। मूव। उन्नीस सौ 1946, वैसे नेताजी को गए हुए एक साल हो गया था, लेकिन जो गदर की बीमारी उन्होंने हिंदुस्तानी सिपाहियों में लगाई थी वो फैलती जा रही थी। 66 जहाज और 10,000 नेवी के सिपाहियों ने जो विद्रोह शुरू किया वो अब पूरे देश में फैलने लगा था। नेताजी 1945 के बाद किसी को नहीं दिखाई दिए, और एमिली अगर कुछ जानती थी तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। Emily, do you think Bose is... Dr. Mathu, as I said, some people need to stay dead to stay alive. बोस बाबू को कभी नहीं देखा गया, और जो देखा गया वो कहानी थी या हकीकत, वो आज तक अंधेरे में। ठीक 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 बोले थी, बेश 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 বেশ করেছি, প্রতিবাদী নাক আগুনে পুড়েছি, বেশ করেছি, ক্ষমতার মুখে পাথর ছুঁড়েছি, বেশ করেছি, শত্রুর মনে শঙ্কা পুঁতেছি, বেশ করেছি, যুদ্ধ 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 আওয়াজ তুলেছি, বেশ করেছি, সাবধান বাণী কখনো মানিনি, পারিনি টানতে ব্রিটিশের খানি, সমুখ সমরে এখনো হারিনি, ইতিহাস সবে আমারে কাহিনী। বোস বোস He's alive. Who? Bose. It looks like he's hiding in Russia. That's enough. I don't want to hear about Bose anymore. Done. You want to talk about Bose? Now. You do realize there's a mutiny in the Navy. Our own soldiers are turning against us. The whole country's up in arms, Stanley. Exactly why we need to find Bose. We are leaving this country. We're finished with Bose. But sir... Enough! Not another word, Stanley. Bose is dead. He died in a plane crash. End of story. उन्नीस सौ 1966, लाल बहादुर शास्त्री ऐतिहासिक ताशकंद शांति समझौते के लिए ताशकंद रूस गए थे। Sure. He knew what was going to do, what you wanted to. You tried to blame him and couldn't contain him before. He took the fight to the top of the line through the door.
please book a tanker to India? His actions faster than thought. They'd look for him where he was not. Incapable of being caught. His lines were sharp, but theirs were blunt. A dance of futility. Broken down to his utility. Together, how can we be? When our weakness is unity. Hello. दरबारी लाल बोल रहे हैं सरकार. ठीक कह रहे थे. बोस बाबू जिंदा हैं. रशिया में हैं. ठीक बोले थी. बेश 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 कोरे थी. প্রতিবাদী নাক আগুনে পুড়েছি বেশ করেছি, ক্ষমতার মুখে পাথর ছুঁড়েছি বেশ করেছি, শত্রুর মনে শঙ্কা পুঁতেছি বেশ করেছি। যুদ্ধ কে বাদ তাশকন্দ মে পাকিস্তান কে রাষ্ট্রপতি আয়ুব খান কে সাথ যুদ্ধ সমাপ্ত করনে কে সমঝোতে পর হস্তাক্ষর করনে কে বাদ 11 জানুয়ারি 1966 কি রাত মে হি রহস্যময় পরিস্থিতিও মে উনকি মৃত্যু হো গই। বোস कुछ कहानियों का अंत ढूंढ पाना नामुमकिन होता है. नेताजी की कहानी में अंत तो है, लेकिन उसे मान लेना मुश्किल है. नेताजी की कहानी जब भी सुनाई जाएगी, लोग सोचने पे मजबूर होते रहेंगे और उनकी मौत की गुत्थी शायद ही कभी सुलझ पाएगी.